सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन से फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बता दें, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है पुकार। तो दोस्तों, पुकार कौन सी फिल्म है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी HD क्वालिटी के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो अंदर हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देरी की आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं पुकार फिल्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस फिल्म को 4 फरवरी 2010 में रिलीज किया गया था, और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इसी के साथ दोस्तों बात कीजिए फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, पुकार फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित नजर आए हुए थे। दोस्तों बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो बता दें दोस्तों, फिल्म को राजकुमार संतोषी सर ने डायरेक्ट किया था, और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी भी राजकुमार संतोषी सर ने ही लिखे थे। इसके अलावा इस बात कीजिए इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में, बता दें दोस्तों, फिल्म को प्रोड्यूस किए थे सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर एंड भारत शाह ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे, और ये फिल्म साल 2000 के दशक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें फिल्म की म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों बता दें इस फिल्म के जितने भी गाने हैं, AR रहमान सर ने गाने को रिकॉर्ड किए थे, और गाने को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था रिलीज होने के बाद। वहीं पे दोस्तों बात कर ले अनिल कपूर जी के बारे में, तो फिल्म में मेजर के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों बात कर ले माधुरी दीक्षित के बारे में, तो अंजलि के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें, तो सुधीर जोशी फिल्म में अंजलि के फादर के रूप में अभिनय किए हैं। नम्रता के बारे में हम बात करें तो पूजा मल्लापा के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई है। ओमपुरी के बारे में हम बात करें तो इकबाल हुसैन के रूप में फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। एक साथ दोस्तों आपको बता दें, पुकार फिल्म साल 2000 की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे राजकुमार संतोषी द्वारा सह लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को अशोक मेहता, संतोष सिवन और उनके अलावा बाबा आदमी और छोटे के नायडू द्वारा छायांकन किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। नम्रता शिरोडकर और डैनी डेंगजोन पर फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। दोस्तों बता दें, शिवाजी सताम और ओमपुरी मुख्य भूमिकाओं में थे फिल्म के अंदर, और फिल्म को समीक्षकों द्वारा काफी अच्छा सराहा गया था। साथ दोस्तों बात कर ले इस फिल्म की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बता दें दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने औसत से नीचे की कारोबार किया था। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, इसमें राष्ट्रीय एकता पर, और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त और उनके अलावा पुरस्कार, और मेजर जयदेव राजवंश के रूप में अनिल कपूर के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के स्कोर के बारे में हम बात करें, तो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं, AR रहमान द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।
संगीत एआर रहमान ने दिए हैं, जबकि फिल्म के गीत मजरू और उनके अलावा जावेद अख्तर सर ने लिखे थे। साथ दोस्तों फिल्म के पहले संगीत के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म में जो गाना रखा गया है सिरा सिरा गीत एन एशवार के साथ जो है कातरे के कादल और इनके अलावा नियाग्र पर आधारित है। यहाँ पे रहमान सर ने ओ और उनके अलावा बोस्निया गाने को एक तू ही भरोसा के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया था। दोस्तों फिल्म के गीत को 1996 में अपने और इसके अलावा मलेशियाई संगीत कार्यक्रम में रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और प्रस्तुत किया गया था। जो आपको बतला दे बोस्नियाई और इनके अलावा जो है पी ऋतु की सहायता के लिए था, जहाँ पे पियानो खुद जो है रहमान सर ने बजाए थे। अलावा दोस्तों फिल्म के साउंड आर्ट के बारे में हम अधिक बात करें तो फिल्म के साउंड आर्ट और संस्करण में काफी अच्छे दो भाग रखे गए थे, क्योंकि फिल्म का सुनता है मेरा खुदा गीत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में आर्चेट और नेशनल पार्क में फिल्माया गया था। क्योंकि फिल्म के किस्मत से तुम हमको मिले हो गीत को संयुक्त राज्य अमेरिका के और इसके अलावा अलास्का में माउंट मार्कस बेकर में शूट किया गया था। दोस्तों फिल्म के कुछ गाने जो अमेरिका के अंदर शूट किए गए थे जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों फिल्म को साल 2000 के दशक में रिलीज किया गया था और फिल्म को दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये फिल्म एक छोटा फिल्म तो नहीं माना जा सकता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों फिल्म की कहानी पैरा में शुरू होता है, पैरा एसएफ अधिकारी जहां मेजर जयदेव जय राजवंश और उनके साथी अधिकारी है। वहीं पे दोस्तों एक प्रमुख राजनेता को बचाने के साथ साथ अपने अपहरणकर्ता और पाकिस्तानी आतंकवादी अब रूस को पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आतंकवादी वर्षों से वंचित है, क्योंकि अंत तक उसे दो अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जय एक हारचीत और उसके अलावा स्वागत में लौटता है, उसे राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है। फिल्म के अंदर उनके वरिष्ठ ने उन्हें एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेने की पेशकश की। जय इसे स्वीकार कर लेता है और वह अपने गृहनगर लौट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त अंजलि से होती है। आदि दोस्तों अंजलि शुरू से ही जय से प्यार करती है, बचपन से ही जय से ही प्यार किया अंजलि से होती है। इसने हमेशा जय के लिए प्यार किया। अंजलि जय की छुट्टी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है और उसके करीब आने और जितना हो सके उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक पार्टी में उनकी मुलाकात मिस इंडिया पूजा मल्लापा से होती है। जैसे ही वह एक साथ समय बिताते हैं वो दोनों प्यार में पड़ने लगते हैं। जैसा कि आपको बता दें जय के माता पिता अंजलि से उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे होते हैं, लेकिन जय पूजा के लिए अपने प्यार को स्वीकार कर लेता है और वह हमेशा अंजलि को एक करीबी दोस्त के रूप में सोचता है। दोस्तों ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है और इस यारू अंजलि जय की और इसके साथ ही आपको बता दे अस्वीकृति का बदला लेना चाहती है। जय के साथ उसकी निराशा को महसूस करते हुए अबरूस फायदा उठाता है। उक्त अपहरण राजनेता के माध्यम से जो अबरूस के साथ हाथ मिला लेता है और साथ में आपको बता दे वह जय की प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करने की साजिश रचते हैं। के बाद फैंस आपको बतला दे अंजलि जेल से जेल तक अबरूस के आने जाने की योजनाओं का विवरण देने वाले और इसके अलावा गोपनीय दस्तावेज चुराने में सफल हो जाती है, जहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं के कारण जय को कोर्ट और इसके अलावा मार्शल किया गया और देश को इसके अलावा जो देशद्रोही घोषित किया गया था। पारिवारिक जो है दबाव के कारण पूजा उसे छोड़ देती है। जय अपनी बेगुनाही साबित करने और खुद को छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है, अकेले ही अबरूस का पीछा करने का फैसला करता है। अंत तक अंजलि को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद आपको बता दें परिचित करने के लिए वह अकेले ही अबरूस की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करती है और जय को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है। जय अबरूस पर हावी हो जाता है। अंत में जय अंजलि के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उसे माफ कर देता है और दोनों खुशी से जीने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। यहाँ दोस्तों फिल्म की कहानी इसी चीज पे आधारित है। आज के इस वीडियो में हम पुकार फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए हैं। सबसे पहला जो गाना है के सारा सारा गाना इसमें रखा गया है। इसे कविता कृष्णा
मूर्ति ने गाया था। दोस्तों फिल्म के दूसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, सुनता है मेरा दिल और मेरा खुदा, ये गाना उदित नारायण ने गाया था। इस तरह दोस्तों फिल्म के तीसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, हम राय जब हो मस्ताना, इस गाने को उदित नारायण जी ने गाया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के चौथे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, है जाना गीत को सुजाता मोहन ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों किस्मत से तुम, ये गाना सोनू निगम ने गाए थे। खिलाओ दोस्तों फिल्म के छठे गीत के बारे में हम बात करें तो एक तू ही भरोसा वाला, ये गाना लता मंगेशकर ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जो सातवें गाने रखे हैं, है जाना ये गाना सुजाता मोहन ने गाए थे। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गाने थे, लेकिन दोस्तों फिल्म में 6 ही गाने को दिखलाया गया था। दोस्तों आपने इन सारे गानों को तो सुना ही होगा क्योंकि यूट्यूब पे ये सारे गाने उपलब्ध है, लेकिन ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड किसी ने भी नहीं किया है। दोस्तों फिल्म को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है, वरना मैं भी फिल्म को अपलोड कर देता। यह दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। अनिल कपूर जी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बता दें सबसे पहले अनिल कपूर जी ने 1979 से अपनी छोटी सी करियर की शुरुआत की थी। बता दें दोस्तों हिंदी फिल्म की शुरुआत हमेशा उन्होंने उमेश मेहरे की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से एक छोटी सी भूमिका में किया था। इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वच्छम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। जिसके बाद आपको बता दें उनकी करियर निर्देशक में काफी ज्यादा अनुभवी बापू ने किया था। उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में काम किए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें साल 1981 में वह एमएस की कहानी कहां से गुजर गया है में दिखाई दिए थे। यहां पे शक्ति फिल्म में 1982 में काम किया था। एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की और इसके अलावा पल्लवी अनुपल्लवी 1983 से कन्नौट फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने वह 7 दिन में उन्होंने अभिनय किया था, जो साल 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई। इसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन सावे अभिनय करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मशाल फिल्म में अभिनय किया था, जो साल 1994 में एक साथ टपोरी के रूप में पहचान हासिल की। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा दोस्तों बता दें उनका टपोरी व्यक्तित्व और आपको बता दें ठुंडदार लुक काफी बेहतरीन फिल्म में था उस समय, और इसके अलावा अप्रगत माना जाता था, लेकिन कई वर्षों बाद भारत में ये फैशन लेवल बन गया था। कपूर की 1985 के रिलीज फिल्म में युद्ध मूवी शामिल है और साहेब शामिल है, क्योंकि युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और इसके अलावा पंती एकदम जो है झक्कास का उच्चारण करते हुए दिखाया। लेकिन यह मेरी जंग फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा वकील की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसने उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया था फिल्म के अंदर। यही फिल्म थी जिससे अनिल कपूर को बहुत ज्यादा पहचान मिली थी बॉलीवुड में। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म करवा में काम किया था। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1986 में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान के साथ अभिनीत हिट जंगबाज फिल्म में काम किए थे। जंगबाज फिल्म में एक लापरवाह प्लेबॉय की भूमिका निभाई। कपूर की 1986 की रेखा के साथ इंसाफ की आवाज की अन्य रिलीज फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। लेकिन उसी वर्ष बासु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया, जहां उन्हें एक हास्य भूमिका करते हुए फिर से देखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किए। लगातार शेखर कपूर की विज्ञान कथा की मिस्टर इंडिया फिल्म थी, जिसे साल 1987 में रिलीज किया गया था। फिल्म के अंदर अनिल कपूर की शीर्षक भूमिका थी, जो वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। उन्हें सुपरस्टार का दर्जा इसी फिल्म से दिया गया था और 1988 से लेकर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया। आपको बता दें उसी वर्ष हमेशा उन्होंने उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित किए गए एक एक्शन ड्रामा कसम फिल्म में इन्होंने काम किया। राम अवतार और विजय जैसी व्यावसायिक सफलताओं में भी दिखाई दिए थे। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर एकमात्र बचतकर्ता साबित हुए थे फिल्म में अंदर। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया, जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पे दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया।
दोस्तों आपको बता दें गीत 1-2 का 4 के साथ इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। आपको बता दें रखवाले में कपूर ने एक टपोरी की ही भूमिका फिल्म में निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था क्योंकि 1989 की फिल्म ईश्वर में कपूर के एक जो है आर्टिस्टिक या व्यक्तित्व के चित्रण को खूब सराहा गया था और एक अभिनेता के रूप में उनको इस फिल्म के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित करने में मदद मिली थी। वर्ष 1990 में उन्होंने अत्यधिक जो है सफल किशन कन्हैया में जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसे के साथ बॉक्स ऑफिस पे ऊंची सफल प्राप्त किया था। आपको बता दें अवारगी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन के साथ आए थे। कई आलोचकों ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे जिनमें से दोनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की रिमेक थी जहाँ पे बॉडी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म बड़ी फ्लॉप थी, बड़ी फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। ये उनके करियर में एक झटका था क्योंकि 1990 को कपूर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरुष स्टार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता था वहीं पे, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ उनकी बुरी हालत थी। इसके बाद यश चोपड़ा के इंटरनेशनल के साथ एक फिल्म आया था इंटर जेनरेशन फिल्म म्यूजिकल जो रोमांटिक ड्रामा लम्हे फिल्म में ये अभिनय किए थे मध्य आयु वर्ग के व्यक्तित्व के रूप में एक सीमित लेकिन आपको बता दें हड़ताली प्रदर्शन किया था फिल्म में जिसमें श्रीदेवी की विपरीत जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जिताया था, जिसमें कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई और यश चोपड़ा का अब तक का सबसे अच्छा काम माना जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना मूंछ के नजर आए थे। आपको बता दें हालांकि ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता हासिल की थी लेकिन ये जो है विदेशों में भी सफल साबित हुई थी क्योंकि अनिल कपूर की 1991 की रिलीज जो है बेनाम बादशाह को टिकट खिड़की पर औसत दर्जा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1992 में कपूर इंद्र कुमार के साथ काम किया जिसके बाद अपने कठिन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला। अब बता दें फ्रेंड्स माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट मूवी थी इनकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। खेल फिल्म में उन्होंने हास्य अभिनय से सबको दिल जीत लिया था। कपूर बेहद जो प्रभावशाली फिल्म में थे वहीं पे दोस्तों आपको बता दें और उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी सराहना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर ने 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चोरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक अबादा फिल्म था। उस समय उन्होंने उद्योग के सबसे बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। इन वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता उनको मिली थी क्योंकि जब उन्होंने नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित की गई फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से उन्होंने लाडला फिल्म में अभिनय किया था। अब बता दें दोस्तों कपूर ने हिट संगीत फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ फिर से काम किया था। फिल्म के अंदर साधारण प्रेम के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की 1994 की एक और रिलीज फिल्म थी जिसका नाम अंदाज रखा गया था। इस फिल्म में जूही चावला और करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। ये फिल्म सफल रही लेकिन आपको बता दें उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पे एक अबादा बन गई थी। हालांकि फिल्म के अंदर कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था। कपूर ने माध्यम और इसके अलावा आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता धारावाहिक जो है घरवाली और बाहर वाली फिल्म से इन्होंने हासिल किया। घरवाली बाहर वाली फिल्म इसे 1998 में रवीना टंडन एंड रंभा के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया गया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे साबित किया गया अच्छा हिट के साथ। बॉक्स ऑफिस पे कुछ असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म में देखा गया। ये फिल्म 1996 जैसी फिल्मों में शामिल है जहाँ पे अनिल कपूर को फिल्म में सफलता मिली। जुदाई फिल्म में फिर से इनको एक और सफलता मिली। जुदाई फिल्म में कपूर द्वारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे हुए प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना किए गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पे दोस्तों बता दें दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुआ था जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर जूही चावला इस फिल्म में थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीवी नंबर 1 फिल्म में फिर से अभिनय किया 1999 में और हम आपके दिल में रहते हैं 1999 में ही रिलीज हुआ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही।
ताल फिल्म के बारे में हम बात करें तो 1999 में रिलीज हुआ था। एक उत्साही कुटिल संगीत सुपरस्टार के रूप में और आपको बदला दे असामान्य चरित्र की तरह के दर्शकों और आलोचकों दोनों के समान रूप से चौंका दिया था फिल्म के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बतला दें उन्होंने तमिल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। फिल्म का नाम थेवर मगन रखा गया था। यह साल 1992 की रिमेक विस्तारित फिल्म थी। विरासत फिल्म में फिर से उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षाएं हासिल की, जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ असफल झूठ बोले कौवा काटे में फिर से अभिनय किया, जो फिल्म निर्माता हरीश केश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज फिल्म मानी जाती थी। उन्होंने दूसरे छमाही के लिए एक बार फिर अपनी मूछे मुड़वा लेते फिल्म के लिए। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की साल 2000 की पहली रिलीज फिल्म बुलंदी थी, जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं अपने आप को दो भागों में बांट लिया था। आपको बता दें इस फिल्म में इनके डुअल रोल रखे गए थे। फिल्म के अंदर दिखाते हुए दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने 2000 में राजकुमार संतोषी की ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुमार के साथ पुकार फिल्म में फिर से अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। अनिल कपूर ने 2000 में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता हासिल की थी, जहां पे इन्होंने फिर से एक सफल फिल्म का स्वाद चखा। अनिल कपूर ने राकेश रोशन द्वारा निर्देशित किए गए फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया था, जहां कपूर की संवाद और इसके अलावा अदायगी की काफ़ी ज़्यादा सराहना किया गया था। उन्होंने शंकर के नायक में एक जो है पावर हाउस प्रदर्शन दिया था, इसे कई लोगों द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2002 में कपूर ने बधाई हो बधाई में अभिनय किया था। एक मोटे आदमी की भूमिका में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था, जो हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक जो है टेक ऑफ मूवी मानी जाती थी। उन्होंने इंदिरा कुमार के साथ निर्देशित किए गए फिल्म रिश्ते में एक बार फिर से काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किए थे। उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन दिया था और फिर से कपूर ने अरमान में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की और एक जो है न्यूरोसर्जन के रूप में अपने किरदार को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता मेल फिल्म में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। इसी पटकथा के साथ संचालित किए गए प्रदर्शन में उनके चरित्र को प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जो है गुंजाइश के साथ जो है परिभाषित किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें मजबूत हास्य कलाकारों के बावजूद ये फिल्म वास्तव में कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया। उन्होंने आपको बता दें समीरा रेड्डी के साथ आदित्य पंचोली संजय दत्त और कोएना मित्रा के साथ फिर से काम किया। फिल्म का नाम मुसाफिर रखा गया था। मुसाफिर में एक आधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग इन्होंने लगा दी थी, क्योंकि इनके करेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था। कपूर ने थ्रिलर फिल्म माई और इसके अलावा वाइफ जो है मर्डर में एक पीड़ित पति के रूप में फिर से इन्होंने अविश्वसनीय रूप से संयमित प्रदर्शन दिया था, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था। और इसी के साथ जो है अनिस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में ये फिर से अभिनय किए थे। 2005 ने उस साल कपूर के लिए अनुसरण किया था और ये फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म बेवफा में भी एक आमिर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे उसी वक्त, जिसे प्रमुख जो है इसे प्रसव के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कपूर ने 2005 के थ्रिलर फिल्म चॉकलेट में चलाकी के साथ एक ग्रे के साथ किरदार निभाया था। अनिल की 2007 की पहली रिलीज मूवी सलाम इश्क फिल्म थी, जहाँ पे ट्रिब्यूट टू लव और विदेशों में बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। इसी के साथ दोस्तों हालांकि भारत में फ्लॉप रही थी और अनिस बज्मी की वेलकम जो 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई, ये मूवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफलता मूवी साबित हुआ था और इसको घोषित किया गया था सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में। इसी के साथ दोस्तों सुभाष घई की ब्लैक एंड वाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत जो है सराहना किया गया था। 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर मूवी थी। दोस्तों वहीं पे आपको बता दें इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था। विजय कृष्ण आचार्य की टसन ने यशराज फिल्म में अनिल की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में ये फिल्म विफल रही थी। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं
अनिल कपूर के करियर के सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम है पुकार। अगर आप पुकार फिल्म को देखना चाहते हैं यूरोप पे तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पुकार फिल्म को साल 2000 के दशक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है अनिल कपूर की करियर की। इस फिल्म को 2000 के दशक की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब रिलीज किया गया था। इसे राजकुमार संतोषी द्वारा लिखित किया गया था और निर्देशित किया गया है और अशोक मेहता, संतोष सिवन और बाबा आजमी और छोटे के नायडू द्वारा छायांकन किया गया था। इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ अभिनय करते हुए फिर से नजर आए थे। वहीं पे दोस्तों फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो नम्रता शिरोडकर, डेनी डिंगजोनपा और शिवाजी सतम फिल्म में थे। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे औसत कारोबार करने वाला फिल्म को घोषित किया गया, जहां पे फिल्म के लिए अनिल कपूर को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों फिल्म के संगीत AR रहमान सर ने तैयार किए थे और फिल्म के गाने को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। खिलाओ दोस्तों फिल्म के साउंड आर्ट के बारे में हम अधिक बात करें तो फिल्म के साउंड आर्ट और संस्करण में काफी अच्छे दो भाग रखे गए थे, क्योंकि फिल्म का सुनता है मेरा खुदा गीत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में आर्केड और नेशनल पार्क में फिल्माया गया था। क्योंकि फिल्म के किस्मत से तुम हमको मिले हो गीत को संयुक्त राज्य अमेरिका के और इसके अलावा अलास्का में माउंट मार्कस बेकर में शूट किया गया था। दोस्तों फिल्म के कुछ गाने जो अमेरिका के अंदर शूट किए गए थे जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों फिल्म को साल 2000 के दशक में रिलीज किया गया था और फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये फिल्म एक छोटा फिल्म तो नहीं माना जा सकता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बताते दोस्तों फिल्म की कहानी पैरा में शुरू होता है, पैरा SF अधिकारी जहां मेजर जयदेव जय राजवंश और उनके साथी अधिकारी है। वहीं पे दोस्तों एक प्रमुख राजनेता को बचाने के साथ साथ अपने अपहरणकर्ता और पाकिस्तानी आतंकवादी अब रूस को पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आतंकवादी वर्षों से वंचित है क्योंकि अंत तक उसे 2 अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जय एक हारचीत और उसके अलावा स्वागत में लौटता है, उसे राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है। फिल्म के अंदर उनके वरिष्ठ ने उन्हें एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेने की पेशकश की। जय इसे स्वीकार कर लेता है और वह अपने गृहनगर लौट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त अंजलि से होती है। आदि दोस्तों अंजलि शुरू से ही जय से प्यार करती है, बचपन से ही जय से ही प्यार किया अंजलि से होती है। इसने हमेशा जय के लिए प्यार किया। अंजलि जय की छुट्टी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है और उसके करीब आने और जितना हो सके उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक पार्टी में उनकी मुलाकात मिस इंडिया पूजा मल्लापा से होती है। जैसे ही वह एक साथ समय बिताते हैं और दोनों प्यार में पड़ने लगते हैं। जैसा कि आपको बता दें जय के माता पिता अंजलि से उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे होते हैं, लेकिन जय पूजा के लिए अपने प्यार को स्वीकार कर लेता है और वह हमेशा अंजलि को एक करीबी दोस्त के रूप में सोचता है। दोस्तों ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है और इस यारू अंजलि जय की और इसके साथ ही आपको बता दे अस्वीकृति का बदला लेना चाहती है। जय के साथ उसकी निराशा को महसूस करते हुए अबरूस फायदा उठाता है उक्त अपहरण राजनेता के माध्यम से, जो अबरूस के साथ हाथ मिला लेता है और साथ में आपको बता दे वह जय की प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करने की साजिश रचते हैं। के बाद फैंस आपको बता दे अंजलि जेल से जेल तक अबरूस के आने जाने की योजनाओं का विवरण देने वाले और इसके अलावा गोपनीय दस्तावेज चुराने में सफल हो जाती है, जहां पे निम्नलिखित घटनाओं के कारण जय को कोर्ट और इसके अलावा मार्शल किया गया और देश को इसके अलावा जो है देशद्रोही घोषित किया गया था। पारिवारिक जो है दबाव के कारण पूजा उसे छोड़ देती है। जय अपनी बेगुनाही साबित करने और खुद को छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है, अकेले ही अबरूस का पीछा करने का फैसला करता है। अंत तक अंजलि को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद आपको बता दे परिचित करने के लिए वो अकेले ही अबरूस की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करती है और जय को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है। जय अबरूस पर हावी हो जाता है। अंत में जय अंजलि के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उसे माफ कर देता है
और दोनों खुशी से जीने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। यहाँ दोस्तों फिल्म की कहानी इसी चीज पे आधारित है। आज की इस वीडियो में हम पुकार फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए हैं। सबसे पहला जो गाना है के सारा सारा गाना इसमें रखा गया है, इसे कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। दोस्तों फिल्म के दूसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, सुनता है मेरा दिल और मेरा खुदा, ये गाना उदित नारायण ने गाया था। इस साथ दोस्तों फिल्म के तीसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, हम राय जब हो मस्ताना, इस गाने को उदित नारायण जी ने गाया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के चौथे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, है जाना गीत को सुजाता मोहन ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों किस्मत से तुम ये गाना सोनू निगम ने गाए थे। अलावा दोस्तों फिल्म के छठे गीत के बारे में हम बात करें तो एक तू ही भरोसा वाला ये गाना लता मंगेशकर ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जो 7वें गाने रखे हैं, है जाना ये गाना सुजाता मोहन ने गाए थे। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गाने थे लेकिन दोस्तों फिल्म में 6 ही गाने को दिखलाया गया था। दोस्तों आपने इन सारे गानों को तो सुना ही होगा क्योंकि यूट्यूब पे ये सारे गाने उपलब्ध है, लेकिन ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड किसी ने भी नहीं किया है। दोस्तों फिल्म को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है, वरना मैं भी फिल्म को अपलोड कर देता। यहाँ दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। अनिल कपूर जी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बता दें सबसे पहले अनिल कपूर जी ने 1979 से अपनी छोटी सी करियर की शुरुआत की थी। बता दें दोस्तों हिंदी फिल्म की शुरुआत हमेशा उन्होंने उमेश मेहरे की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से एक छोटी सी भूमिका में किया था। इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वच्छम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था, जिसके बाद आपको बतला दें उनकी करियर निर्देशक में काफी ज्यादा अनुभवी बापू ने किया था। उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में काम किए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दें साल 1981 में हुआ एमएस सत्यों की कहानी कहां से गुजर गया है में दिखाई दिए थे। यहां पे शक्ति फिल्म में 1982 में काम किया था। एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की और इसके अलावा पल्लवी अनु पल्लवी 1983 से कन्नौट फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने वह 7 दिन में उन्होंने अभिनय किया था जो साल 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन सावे अभिनय करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मशाल फिल्म में अभिनय किया था जो साल 1994 में एक साथ टपोरी के रूप में पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा दोस्तों बता दें उनका टपोरी व्यक्तित्व और आपको बताए ठुंठदार लुक काफी बेहतरीन फिल्म में था उस समय, और इसके अलावा अप्रपकट माना जाता था लेकिन कई वर्षों बाद भारत में ये फैशन लेवल बन गया था। कपूर की 1985 के रिलीज फिल्म में युद्ध मूवी शामिल है और साहेब शामिल है, क्योंकि युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और इसके अलावा पंती एकदम जो है झकास का उच्चारण करते हुए दिखाया। लेकिन यह मेरी जंग फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा वकील की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जिसने उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया था। फिल्म के अंदर यही फिल्म थी जिससे अनिल कपूर को बहुत ज्यादा पहचान मिली थी बॉलीवुड में। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म करवा में काम किया था। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1986 में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान के साथ अभिनीत हिट जंगबाज फिल्म में काम किए थे। जंगबाज फिल्म में एक लापरवाह प्लेबॉय की भूमिका निभाई। कपूर की 1986 की रेखा के साथ इंसाफ की आवाज की अन्य रिलीज फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। लेकिन उसी वर्ष बासु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया, जहां उन्हें एक हास्य भूमिका करते हुए फिर से देखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किए। लगातार शेखर कपूर की विज्ञान कथा की मिस्टर इंडिया फिल्म थी, जिसे साल 1987 में रिलीज किया गया था। फिल्म के अंदर अनिल कपूर के शीर्षक भूमिका थी, जो वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। उन्हें सुपरस्टार का दर्जा इसी फिल्म से दिया गया था और 1988 से लेकर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया। आपको बता दें उसी वर्ष हमेशा उन्होंने उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित किए गए एक एक्शन ड्रामा कसम फिल्म में इन्होंने काम किया।
राम अवतार और विजय जैसी व्यावसायिक सफलताओं में भी दिखाई दिए थे। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर एकमात्र बचत कर्ता साबित हुए थे फिल्म में अंदर। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया, जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पे दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया। दोस्तों आपको बता दें गीत 1-2 का 4 के साथ इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। आपको बता दें रखवाले में कपूर ने एक टपोरे की ही भूमिका फिल्म में निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था, क्योंकि 1989 की फिल्म ईश्वर में कपूर के एक जो है आर्टिस्टिक या व्यक्तित्व के चित्रण को खूब सराहा गया था और एक अभिनेता के रूप में उनको इस फिल्म के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित करने में मदद मिली थी। वर्ष 1990 में उन्होंने अत्यधिक जो है सफल किशन कन्हैया में जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसे के साथ बॉक्स ऑफिस में ऊंची सफल प्राप्त किया था। आपको बता दें अवारगी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन के साथ आए थे। कई आलोचकों ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से दोनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की रिमेक थी, जहाँ पे बॉडी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म बड़ी फ्लॉप थी, बड़ी फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। ये उनके करियर में एक झटका था, क्योंकि 1990 को कपूर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरुष स्टार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता था वहीं पे, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ उनकी बुरी हालत थी। इसके बाद यश चोपड़ा के इंटरनेशनल के साथ एक फिल्म आया था, इंटर जेनरेशन फिल्म म्यूजिकल, जो रोमांटिक ड्रामा लम्हे फिल्म में ये अभिनय किए थे। मध्य आयु वर्ग के व्यक्तित्व के रूप में एक सहमित लेकिन आपको बता दें हड़ताली प्रदर्शन किया था फिल्म में, जिसमें श्रीदेवी की विपरीत, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जिताया था, जिसमें कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई और यश चोपड़ा का अब तक का सबसे अच्छा काम माना जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना मूंछ के नजर आए थे। आपको बता दें हालांकि ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता हासिल की थी, लेकिन ये जो है विदेशों में भी सफल साबित हुई थी, क्योंकि अनिल कपूर की 1991 की रिलीज जो है बेनाम बादशाह को टिकट खिड़की पर औसत दर्जा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1992 में कपूर इंद्रा कुमार के साथ काम किया, जिसके बाद अपने कठिन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला। अब बता दें फ्रेंड्स माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट मूवी थी इनकी, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। खेल फिल्म में उन्होंने हास्य अभिनय से सबको दिल जीत लिया था। कपूर बेहद जो प्रभावशाली फिल्म में थे। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें और उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी सराहना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर ने 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चूरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक अबादा फिल्म था। उस समय उन्होंने उद्योग के सबसे बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। इन वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता उनको मिली थी, क्योंकि जब उन्होंने नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित की गई फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से उन्होंने लाडला फिल्म में अभिनय किया था। अब बता दें दोस्तों कपूर ने हिट संगीत फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ फिर से काम किया था। फिल्म के अंदर साधारण प्रेम के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की 1994 की एक और रिलीज फिल्म थी, जिसका नाम अंदाज रखा गया था। इस फिल्म में जूही चावला और करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। ये फिल्म सफल रही, लेकिन आपको बता दें उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पे एक अबादा बन गई थी। हालांकि फिल्म के अंदर कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था। कपूर ने माध्यम और इसके अलावा आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता धारावाहिक जो है घरवाली और बाहर वाली फिल्म से इन्होंने हासिल किया। घरवाली बाहर वाली फिल्म इसे 1998 में रवीना टंडन एंड रंभा के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया गया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे साबित किया गया अच्छा हिट के साथ थे। बॉक्स ऑफिस पे कुछ असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म में देखा गया। ये फिल्म 1996 जैसी फिल्मों में शामिल है, जहाँ पे अनिल कपूर को फिल्म में सफलता मिली। जुदाई फिल्म में फिर से इनको एक और सफलता मिली। जुदाई फिल्म में कपूर द्वारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे हुए प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना किए गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया।
वहीं पे दोस्तों बता दें दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुआ था, जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर जूही चावला इस फिल्म में थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीवी नंबर 1 फिल्म में फिर से अभिनय किया 1999 में, और हम आपके दिल में रहते हैं 1999 में ही रिलीज हुआ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ताल फिल्म के बारे में हम बात करें तो 1999 में रिलीज हुआ था। एक उत्साही कुटिल संगीत सुपरस्टार के रूप में और आपको बता दें असामान्य चरित्र की तरह के दर्शकों और आलोचकों दोनों के समान रूप से चौंका दिया था फिल्म के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें उन्होंने तमिल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। फिल्म का नाम थेवर मगन रखा गया था, जो साल 1992 की रिमेक 20 फिल्म थी। विरासत फिल्म में फिर से उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षाएं हासिल की, जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ असफल झूठ बोले कौवा काटे में फिर से अभिनय किया, जो फिल्म निर्माता हरीश केश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज फिल्म मानी जाती थी। उन्होंने दूसरे छमाही के लिए एक बार फिर अपनी मूछें मुड़वा लेते फिल्म के लिए। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की साल 2000 की पहली रिलीज फिल्म बुलंदी थी, जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं अपने आप को दो भागों में बांट लिया था। आपको बता दें इस फिल्म में इनके डुअल रोल रखे गए थे। फिल्म के अंदर दिखाते हुए दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने 2000 में राजकुमार संतोषी की ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुमार के साथ पुकार फिल्म में फिर से अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। अनिल कपूर ने 2000 में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता हासिल की थी, जहां पे इन्होंने फिर से एक सफल फिल्म का स्वाद चखा। अनिल कपूर ने राकेश रोशन द्वारा निर्देशित किए गए फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया था, जहां कपूर की संवाद और इसके अलावा अदायगी की काफी ज्यादा सराहना किया गया था। उन्होंने शंकर के नायक में एक जो है पावर हाउस प्रदर्शन दिया था, इसे कई लोगों द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2002 में कपूर ने बधाई हो बधाई में अभिनय किया था, एक मोटे आदमी की भूमिका में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था, जो हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक जो है टेक ऑफ मूवी मानी जाती थी। उन्होंने इंदिरा कुमार के साथ निर्देशित किए गए फिल्म रिश्ते में एक बार फिर से काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में भी इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन दिया था। और फिर से कपूर ने अरमान में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की, और एक जो है न्यूरो सर्जन के रूप में अपने किरदार को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता मेल फिल्म में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। इसी पटकथा के साथ जो संचालित किए गए प्रदर्शन में उनके चरित्र को प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जो है गुंजाइश के साथ जो है परिभाषित किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें मजबूत हास्य कलाकारों के बावजूद ये फिल्म वास्तव में कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया। उन्होंने आपको बता दें समीरा रेड्डी के साथ आदित्य पंचोली संजय दत्त और कोएना मित्रा के साथ फिर से काम किया। फिल्म का नाम मुसाफिर रखा गया था। मुसाफिर में एक आधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग इन्होंने लगा दी थी, क्योंकि इनके करेक्टर को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा था। कपूर ने थ्रिलर फिल्म माई और इसके अलावा वाइफ्स जो है मर्डर में एक पीड़ित पति के रूप में फिर से इन्होंने अविश्वसनीय रूप से संयमित प्रदर्शन दिया था, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था। और इसी के साथ जो है अनीस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में ये फिर से अभिनय किए थे। 2005 ने उस साल कपूर के लिए अनुसरण किया था और ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म बेवफा में भी एक आमिर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे उसी वक्त, जिसे प्रमुख जो है इसे प्रसव के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कपूर ने 2005 के थ्रिलर फिल्म चॉकलेट में चलाकी के साथ एक ग्रे के साथ किरदार निभाया था। अनिल की 2007 की पहली रिलीज मूवी सलाम इश्क फिल्म थी, जहां पे ट्रिब्यूट टू लव और विदेशों में बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। इसी के साथ दोस्तों हालांकि भारत में फ्लॉप रही थी, और अनीस बज्मी की वेलकम जो 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई, ये मूवी वर्ष की सबसे बड़ी सफलता मूवी साबित हुआ था और इसको घोषित किया गया था सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में। इसी के साथ दोस्तों सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत जो है सराहना किया गया था। 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर मूवी थी।
दोस्तों वहीं पे आपको बता दें, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था। विजय कृष्ण आचार्य की टसन ने यशराज फिल्म में अनिल की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में ये फिल्म विफल रही थी। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर के करियर के सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम है पुकार। अगर आप पुकार फिल्म को देखना चाहते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पुकार फिल्म को साल 2000 की दशक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है अनिल कपूर की करियर की। इस फिल्म को 2000 की दशक की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब रिलीज किया गया था। इसे राजकुमार संतोषी द्वारा लिखित किया गया था और निर्देशित किया गया है, और अशोक मेहता, संतोष सिवन और बाबा आजमी और छोटे के नायडू द्वारा छायांकन किया गया था। इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ अभिनय करते हुए फिर से नजर आए थे। वहीं पे दोस्तों फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो नम्रता शिरोडकर, डेनी डिंगजोनपा और शिवाजी सतम फिल्म में थे। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे औसत कारोबार करने वाला फिल्म को घोषित किया गया, जहां पे फिल्म के लिए अनिल कपूर को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों फिल्म के संगीत AR रहमान सर ने तैयार किए थे और फिल्म के गाने को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अभिनय करती हुई नजर आई है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों हमारे YouTube पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को एनालिसिस करेंगे, बतलाएंगे फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म की फ्लॉप होने का क्या रीजन है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों लाल सिंह चड्ढा मूवी साल 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये मूवी आमिर खान प्रोडक्शन और वाईकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित किए गए हैं। दोस्तों ये फिल्म 1994 की अमेरिकी फिल्म जो है इनकी फॉरेस्ट गॉम का रिमेक बनाई गई है, जो स्वयं इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर नागा चैतन्य और उनकी हिंदी फिल्म की शुरुआत में, और आपको बता दें और फिल्म के अंदर मोना सिंह के साझे शीर्षक चरित्र के रूप में नजर आए हैं। बता दोस्तों फ्रेश गॉम के अनुकूल में दो दशकों की अवधि में कई जो है की बदलाव किए गए, जहाँ पे कुलकर्णी ने पहले 10 साल की स्क्रिप्ट को अनुकूल जो है करने के लिए बिताए थे। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की रिमेक अधिकार खरीदने में 10 साल लग गए थे, जहां पे आमिर खान ने लॉस एंजल्स के साथ जो स्थिति निर्माता निर्देशक जो है राधिका चौधरी की मदद से 2018 की शुरुआत में फिल्म के अधिकार खरीदे थे, जो 14 मार्च 2019 को इसके शीर्षक के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा कर दी गई थी की फिल्म का स्कोर जो है तनोज टिक्कू का है। जहाँ पे जबकि इसके मूल गीत के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा रचित किए गए हैं और उनके गीत जो है की अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें लाल सिंह चड्ढा को 100 से अधिक भारतीय स्थानों पर फिल्माया गया था, जो कोविड-19 महामारी के कारण कई देरी के बाद जो है प्रिंसिपल फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और सितंबर 2021 में समाप्त हुई थी। फिल्म को शुरू में 2020 से लेकर 2022 में कई जो है तारीखों के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी कारण उत्पादन रुकने के कारण जो है इसमें देरी हो गई थी, जो 11 अगस्त 2022 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। और रक्षाबंधन के मौके पर स्वतंत्रता दिवस के साथ आपको बता दें आलोचकों से सिनेमा जो है यानी कि मिश्रित समीक्षाओं के लिए खोला गया था, और अपने ओपनिंग और अपने बजट के मुकाबले जो है 180 करोड़ के बजट के मुकाबले फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर में 90 करोड़ से कम का यानी कि राजस्व अर्जित किया था और इसी प्रकार बॉक्स ऑफिस घोषित किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 200 से 300 करोड़ कमाई करना होगा, क्योंकि मूवी की बजट जो है बहुत ही ज्यादा है। 180 करोड़ से ऊपर के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया है, लाल सिंह चड्ढा फिल्म को। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी, लाल का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा गया था और उनकी माँ को उनसे बहुत उम्मीद थी कि उसके पैर जो है कमजोर थे, लेकिन उसकी माँ ने उसके जो है हौसले को कभी यानी कि कम होने नहीं दिया, कभी यानी कि कांपने नहीं दिया। और आपको बता दें हमेशा उससे कहती थी कि वो दूसरे से अलग नहीं है। उसने उसे कहा कि किसी पर भी यानी कि विश्वास न करो जो उसे बताते हैं कि वो अपने दम पर काम करने में सक्षम है। उसके अलावा लाल के साथ एक जो है समान व्यवहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो है रूपा डिसूजा नाम की लड़की थी। स्कूल के बाद दोनों बच्चे एक साथ घूमते थे
और आपको बता दे रूपा अक्षय जो है अपने घर जो है वापस नहीं जाना चाहती थी कि वो लाल के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी और लाल के साथ अपना समय बिताना चाहती थी। लाल को हमेशा बहुत जो है धमकाया जाता था घर वालों की तरफ से। लड़के अक्सर उससे उठते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसके साथ छात्रों के समूह ने लाल पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। वह घर वापस जा रहा था, रूपा उसके साथ थी। उसने उससे कहा कि भागो यहाँ से, लड़कों से खुद को बचाओ। लाल ने अपने लेक इन साथी ब्रिसेस के साथ जो है हॉल करना शुरू कर दिया, जिसे जो है धीरे धीरे ब्रिसेस से नाटक खोल गया था और उसके बाजू ढीले होने लग गए थे। आपको बतला दे उसके बाजू घातों अकड़ने लग गए थे और अंत में जो है ब्रिसेस जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। लाल ने यानी कि महसूस किया कि वह जो है दौड़ सकता है। उस दिन के बाद जो है लाल को जहाँ भी जाना होता था वह दौड़ कर ही जाता था। उसके अलावा एक दिन रूपा स्कूल नहीं आई। लाल उससे मिलने गया, उसने देखा कि रूपा अपने घर के बाहर बैठी रही है, बैठ के रो रही है। उसकी माँ को घरेलू घोषणा का शिकार होना पड़ रहा था। उसके अलावा अक्षर जो है यानी कि वो होता था, लेकिन फिर भी रूपा को उस यानी कि दर्दनाक दृश्य और अपनी माँ की आवाज़ से अपने पिता को कुछ यानी कि दया दिखाने के लिए कहने की आदत नहीं थी। और आपको बता दें वह कैसे कर सकती थी, वह लगातार भय की स्थिति में रहती थी। उसने अपने जो है भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे उम्र बना देता है ताकि वह एक दिन वह यानी कि हिंसा को रोक सके और अपने पिता को वह सारा पैसा दे सके, इसकी उसे जरूरत थी। लेकिन उस दिन के बाद वे कुछ भी आगे निकल गए थे। उसके बाद उसकी मां ने अपने घातक अंश से मुलाकात की और पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। रूपा को उसकी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, जो लाल के घर पर काम करती थी। और लाल जो है यानी कि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वह अब जो है रूपा हमेशा उसके साथ थी। लाल की मां ने उन्हें और रूपा को ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली की हिंदू कॉलेज भेज दिया, जहां पे विश्वविद्यालय में लाल ने सभी ट्रेक यानी कार्यक्रम में भाग लिया था, जबकि रूपा ने मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह एक मॉडल या फिर अभिनेत्री बन जाती है तो वह बहुत पैसा कमा सकती है। उसने मुंबई जाने और खूब पैसा कमाने के अपने जो है सपनों को साकार करना शुरू कर दिया। लाल की माँ के पास अपने जो है एकलौते बच्चे को दुनिया के यानी कि कुरीतियों से बचाने का एक जो अनोखा तरीका था। तब जो है देश जो है नफरत से जल रही थी और उसने उसे जो है कहा कि मलेरिया के साथ जो यानी कि फैल गया, जहाँ पे वह तब यानी कि सुरक्षित है जब वो अपने जो है कमरे में रहेगी। इसके बाद बता दें दोस्तों, जब भी देश नफरत में आता था तो गुस्से से भर रहा था। लाल ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, चाहे वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हो, 1990 की रथ यात्रा के दौरान या फिर मुझे मंडल आयोग के दंगों के दौरान हो, लाल सेना में शामिल हो गए और रूपा अभिनेत्री बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई चली गई। लाल सेना में बाला राजू बोडी के साथ जो है मिल जाते हैं, जो अंततः उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। बोडी का परिवार जो है अनाटिक काल से और साथ ही अंडर ग्रोसर के साथ था। आपको बता दें कारोबार में था जो बोडी ने अपने सेना के साथ छोड़ने के बाद एक यानी कि अंतर गवर्नमेंट के साथ फैक्ट्री खोलने का विचार रखा है, जो उसने लाल को अपना जो है यानी कि बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए कहा, जिसके लिए बाद वाला सुखी जो है राजी हो गया। 1999 की बात जो है और भारत जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में था। आपको बता दें लाल और बाला एक ही यानी कि बटालियन में थे, जहां पे घुसपैठियों के कब्जे वाली जो है चोटियों में से एक पर कब्जा करने के लिए उनके सैनिकों को एक जो है मिशन दिया गया था, जहाँ पे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या को गलत बताया था, जिसके पास एक जो फायदा था क्योंकि उनके पास एक ऊंचा जो है यानी कि शमूलिया थी, जहां पे रूपा ने लाल से कहा था कि जैसे ही उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है तो वह दौड़ना शुरू कर देगी, जहाँ पे उन्होंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन जब चट्टान की तलहरी पर पहुंच जाते हैं तो उसने महसूस किया कि उसका दोस्त बाला पीछे छूट गया है, वह फिर वापस चला गया। लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई साथी जो है सैनिक मिल ही जाता है जो घायल पड़ा हुआ था, आपको बता दे मदद मांग रहा था। उसने देखा कि पाकिस्तानी जो है कमांडर भी जमीन पर पड़े हुए हैं, नहीं जानता था कि कौन जो है शत्रु था और कौन मित्र था। उसने उसे भी अपने कंधों पर उठा लिया और नीचे ले गया। बताया दोस्तों बाला को नहीं बचा सका, लेकिन उसने 5 अन्य सैनिकों को बचा लिया, जिसके लिए उसे भारत सरकार द्वारा एक जो है पदक से सम्मानित किया गया था।
अगली बार उसने रूपा के साथ फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया। रूपा ने लाल धारा भेजे गए किसी भी पत्र का कभी जवाब नहीं दिया। रूपा पर जो है कि उनके साथ अश्लीलता का आरोप लगाया गया था और बहुत सारे लोग जो है संगठन गैर जो है सरकारी संगठन उसका विरोध कर रहे थे। बाद में वह कई जो है बुरे लोगों से जुड़ गई। वह जल्द ही अमीर बनना चाहती थी। वह कम से कम जो है संभव यानी कि रास्ता अपनाना चाहती थी। ये जाहिर तौर पर इसने उसे बहुत यानी कि परेशानी में डाल दिया था। वह एक गैंगस्टर की मालकिन बन गई थी जिसने जो उसका फायदा उठाया और अपने सपने दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें पूरा करने का इरादा नहीं था। बताया दोस्तों को क्या था गैंगस्टर अबू सलेम। और आपको बतला दे मोनिका बेदी के विवाद सब जो रिश्ते के लिए समान ताइप बन गई थी, जहाँ पे रूपा कभी यानी कि एक्ट्रेस नहीं बन पाई थी। एक तरफ लाल सिंह अपनी कहानियों में व्यस्त था, उसके अलावा रूपा ने लाल धारा भेजे गए किसी भी पात्र का कभी जवाब नहीं दिया था। रूपा जो है अश्लीलता का आरोप लगाया गया था और बहुत सारे जो है यानी कि लोक संगठन और गैर जो है सरकारी संगठन उसका विरोध भी कर रहे थे। बाद में वो कई बुरे लोगों से जुड़ गई थी। वह जल्द ही अमीर बनना चाहती थी और वह कम से कम जो है यानी कि संभव रास्ता अपनाना चाहती थी। और जाहिर तौर पर उसने इसे बहुत परेशानी में डाल दिया था। वह एक गैंगस्टर की मालकिन बन गई जिसने जो उसका फायदा बहुत ज्यादा उठाया और अपने सपने दिखाने के लिए, लेकिन उरा पुणे करने का इरादा कभी भी नहीं था। गैंगस्टर ने उसे बहुत ज्यादा धोखा दिया था। अबू सलेम और मोनिका बेदी के विवाद सब जो रिश्ते के लिए समान ताए देना शुरू कर दिया था। रूपा कभी भी यानी कि एक्ट्रेस नहीं बन पाई थी। लाल उससे जो है नियमित अंतराल पर मिलते रहे और एक बार वह उससे मिलने गया तो उसने देखा कि गैंगस्टर उसे थप्पड़ मार रहा है। वह आग्रह करती है और विरोध नहीं कर सकती है क्योंकि गैंगस्टर की पिटाई कर दी। रूपा ने उसे कहा कि वह उसे जीवन भर नहीं बचा सकता, उसे रहने देना होगा। और रूपा जानती थी कि लाल ही एक व्यक्ति थे जो उसे बिना यानी कि शर्त प्यार करता है और बाकी लोग जो सिर्फ यानी कि फायदा उठाने के लिए थे वह भी उसे प्यार करती थी, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत अलग कुछ जो है चाहती थी। वह किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहती थी जिसके वजह से वह इन रास्तों को अपना चुकी थी। ये सब देखने के बाद लाल ने आखिरकार उसे प्रोडक्शन बिजनेस को इनवारन कर दिया यानी कि इनवेयर के लिए खोल दिया। जैसा कि आपको बतला दे बाला चाहता था, उन्होंने दो अन्य जो है दर्जी के साथ जो है कि अंडर गोरमेंट सिलवाए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं था कि उनके जो है उत्पादन का विपणन कैसे किया जाएगा। तभी जो है मोहम्मद बाजी टीम में शामिल हुए, जहां पे मोहम्मद वहीं पे पाकिस्तानी कमांडर था जिसकी जान जो है लाल ने बचाई थी। उसने अपने दोनों पैरों को खो दिया था और यह नहीं जानता था कि लाल को उसकी जो है जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए या फिर इसे जो है ना कि उसे तरह खुद का जो है जीवन जीने के लिए शौक देना चाहिए। उसने लाल से कहा कि उसे यानी कि युद्ध के मैदान में यानी कि मरता यानी कि मरना तय है। वह लाल को मारना चाहता था, लेकिन वह कैसे कर सकता था। ये एक जो है पवित्र आत्मा थी जो कि घृणा का अर्थ नहीं था। यहाँ पे समझते थे कि वह ये नहीं समझते थे कि आप जो है किसी भी यानी कि शत्रु की जान बचाए और उसे मरने दे। लाल ने उसका जीवन बचाया था, वो उसके लिए लाल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके लिए हर इंसान जो है बराबर थे और नहीं जानता था कि उनके बीच जो अंतर कैसे किया जाए। मोहम्मद बाजी जानते थे कि उनका जीवन यानी कि इस पागल आदमी के लिए जो केवल जो है दूसरों को इच्छा दूसरों में यानी कि अच्छाई देखता है, उन्होंने यानी कि अंदाजा था कि बाल की जगह जो अगर ब्रांड का नाम किसी लड़की के नाम पर रखा जाए तो शायद उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। लाल एक ही लड़की को जानता था, इसलिए उनकी कंपनी को अब जो है रूपा कहा जाता था। आपको बतला दे बुना हुआ कपड़ा जो है विशाल पर एक जो है मजेदार टेक लगाए गए थे, जो बिक्री तेजी से बढ़ने लग गई और जल्द ही कंपनी पूरे भारत में अंदर यानी कि बियर बेच रही थी। पे कुछ जो है समय बाद मोहम्मद बाजी ने अपने देश वापस जाने और एक स्कूल जो है खोलने का फैसला किया। लाल की माँ का भी निधन हो गया था और वह अकेली छोड़कर वहाँ से चली गई, जो कि बार बार रूपा के बारे में सोच रहा था। वह उन्होंने अपना पूरा समय जो है कृषि के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उनकी माँ के निधन के बाद किसी को उनकी भूमि की देखभाल करना नहीं था। जो एक दिन जो है रूपा ने पास वापस आई, लेकिन खुशी खुशी यानी कि अल्पाकलित थी, जहाँ पे पुलिस उसकी जो है की तलाश में आई थी क्योंकि उसके गैंगस्टर से संबंध थे। उन्होंने 6 महीने के लिए जेल भेज दिया था और लाल एक बार फिर जो अकेला रह गया। रूपा उसे बताए बिना चली गई थी
और उसके अंदर बहुत यानी कि गुस्सा आया था, बहुत यानी कि आक्रोश दर्द भर गया था उसके अंदर, उदासी थी जिसे वह यानी कि सहन नहीं कर पा रहा था। तब जो है यानी कि दौड़ने लगा, शायद वह अपने जो है आतिश से, अपने अकेलेपन से और अपने जो यानी कि पछतावे से भाग रहा था। उसने सोचा कि शायद वह इन यानी कि सबसे बच निकलेगा। दूसरी ओर लोगों ने सोचा कि वह किसी यानी कि महान उद्देश्य के लिए भाग रहा होगा। मीडिया ने उनके सफर को कवर करना शुरू कर दिया। वह जो है यानी कि हिमालय से और साथ ही कन्याकुमारी तक जो है भागा और पश्चिम में जो है रेगिस्तान से भागकर जो है पूर्व जो है बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया था और देश के लगभग जो हर यानी कि इंच को पैदल जो है तय किया था। और महीनों चलने के बाद वह अचानक जो है रुक गया और लोग जो है उसका पीछा करने लग गए थे, वो उसके साथ जो है भागने लग गए थे। उन्होंने उसे पूछा कि वह क्यों रुक गया था, किसी ने यानी कि दार्शनिक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब जो है दाढ़ी वाले आदमी के बारे में सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लाल एक जो है यानी कि साधारण इंसान थे जो कि सिर्फ यानी कि श्री जो सीधी सादी बातें ही समझ सकते थे। उसने कहा कि वह थक गया है और वह घर वापस जाना चाहता है। बता दें दोस्तों, इसके अलावा जब लाल घर पहुंचता है तो उसे ये जानकर दुखद आश्चर्य हुआ कि रूपा ने उसे बहुत पत्र लिखे हैं। उसने अपनी सजा काट ली थी और अब जो है कि चंडीगढ़ में रह रही है। लाल उससे मिलने और जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। लाल ने रूपा से मुलाकात की और पता चला कि उसका अमन नाम का एक बच्चा है और उसने सोचा कि वह किसी यानी और लड़के से शादी कर लेगी, लेकिन रूपा ने उसे बताया कि वह बच्चे का पिता है। लाल अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सका। रूपा एक बीमारी से पीड़ित थी और आपको बतला दें वह जानती थी कि उसके पास जो है ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल ने उसे शादी करने का फैसला किया और कुछ ऐसा जो कि वह बचपन से करना चाहता था। रूपा के जाने से पहले लाल ने पहले ही जीवन भर के लिए यादें बना ली थी और लाल जो है कि अमन को उसी स्कूल में ले लिया था जहाँ पे वह भाग गया था। जब वो अपने पहले दिन उसे छोड़ने गया तो ऐसा लगा जैसे कि उसने यादों और पुरानी यादों का एक जो है जादुई पिटारा खोल दिया था, जो उसे अब भी याद था कि कैसे उसकी माँ पूरे दिन जो है यानी कि बेंच पर उसका जो है कि इंतज़ार करती थी। और उसे याद आया कि कैसे वह रूपा से पहली बार मिला था और जीवन के चक्र ने उसे एक क्रांति पूरी कर दी थी और एक जो है नया यानी कि अध्याय शुरू करने के समय वो निकल पड़ा था। दोस्तों ये तो इस फिल्म की कहानी थी जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों अगस्त 2018 में आमिर खान ने घोषणा की थी कि उन्होंने पनोरमा के साथ जो है कि पैरामाउंट और पिक्चर से 1994 की अमेरिकी नाटक जो है कि फॉरेस्ट गंप के रीमेक अधिकार खरीदे हैं। आपको बतला जिसने फिल्म का निर्माण किया है और यह भी सुझाव दिया है कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जो 14 मार्च 2019 को अपने 54वें जन्मदिन के साथ आमिर खान ने आधिकारिक तौर पर जो इसी परियोजना की घोषणा की थी जिसका नाम लाल सिंह चड्ढा रखा गया है। आपको बता दें अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ फिल्म का सह निर्माण किया और आपको बता दें अधय चंदन जिन्होंने पहले आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार मूवी 2017 का निर्देशन किया था, जो इस मूवी के रीमेक का निर्देशन करने के लिए साइन उनको किया गया था। आपको बता दें फिल्म के लिए 2006 में भी काम किया गया था। मूल में किए गए थे हिंदी रूपांतरण लिखा गया था। बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सजाकार में कुलकर्णी ने कहा था, मैंने 10 साल पहले पटकथा लिखी थी, लेकिन आमिर खान को इस फिल्म के लिए कुछ साल लग गए थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि मैंने एक अच्छी पटकथा लिखी होगी, या फिर इसीलिए वह मुझे यानी कि चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। कुछ साल उन्होंने पटकथा सुनी और 30 सेकंड के भीतर ही उन्होंने कहा कि मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। उसके बाद कुलकर्णी ने यह भी कहा था कि मूल जो है कि पैरामाउंट के निर्माताओं से रीमेक अधिकार प्राप्त करने के साथ 7 साल अधिक का समय लग गया क्योंकि फिल्म पूरी तरह से ओरिजिनल पर आधारित है। और एक बार जो स्टूडियो ने राधिका चौधरी के साथ पुष्टि की कि अधिक कार्य उपलब्ध थे, जहां पे आमिर खान फरवरी 2018 में लॉस एंजलिस की यात्रा की थी और राधिका चौधरी के साथ स्टूडियो प्रमुखों से मुलाकात की और अधिग्रह हासिल कर लिए थे। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा फिल्म की कहानी जो है बहुत पहले ही सोचा गया था, आज से 10 या 15 साल पहले सोचा गया था, लेकिन फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। 2022 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। पहले तो इस फिल्म के अधिकार को खरीदा गया, फिर कहानी में कुछ कुछ चेंजेस किए गए, फिर मूवी को बनाया गया और आखिरकार फिल्म जो है एक फ्लॉप साबित हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा
ज्यादा निराशा वाली बात है। जबकि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू होने की उम्मीद थी, आमिर खान और उनकी टीम ने अप्रैल 2019 में धर्मा यानी कि धर्मशाला में 5 दिनों के लिए स्थान की तलाश कर रहे थे, जहाँ पे लाल सिंह चड्ढा को कथित तौर पर 100 से अधिक भारतीय स्थानों पर फिल्माया गया है। जो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 31 अक्टूबर 2019 को आमिर खान की मां जिन्नत हुसैन द्वारा किए गए थे और साथ ही मुहूर्त शॉट के साथ शुरू किया गया था। पहला शेड्यूल 1 नवंबर को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, जो 21 दिनों के भीतर ही इस मूवी की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। सेट से आमिर खान और कपूर की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई थी। आमिर खान की मोटी दाढ़ी की वजह से पगड़ी के साथ उनका लुक वायरल हो गया था। आमिर खान और करीना कपूर की विशेषता वाला एक रोमांटिक ट्रैक जो है 28 नवंबर 2019 को चंडीगढ़ में शूट किया गया था। दूसरे शेड्यूल के बारे में हम बात कर ले तो 5 दिसंबर 2019 को कोलकाता में शुरू किया गया था, जो अभिनेता आमिर खान और उनकी टीम ने दिसंबर के दूसरे हफ्ता में केरल के लिए उड़ान भरी थी, जहाँ पे आमिर खान की उनके साथ जो देखो मांगा वाला एन चंगावस के साथ जो है कपिल से शूटिंग की तस्वीरें वायरल हो गया था। जो अभिनेता आमिर खान ने 19 दिसंबर 2019 को दूसरा शेड्यूल पूरा किया था। उदाहरण के लिए 21 दिसंबर 2019 को जैसलमेर में गोवा में और हिमाचल प्रदेश में शूटिंग के साथ तीसरे शेड्यूल की शुरुआत की गई थी, जहां पे शेड्यूल 12 फरवरी 2020 को पूरा हुआ था। यहां पे अभिनेता आमिर खान ने अपने अगले शेड्यूल के लिए चंडीगढ़ गए। टीम ने 6 मार्च 2020 को शूटिंग के अंतिम चरण को पूरा किया। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म का निर्माण रुकने से पहले कलाकारों और चालक ने 16 मार्च 2020 को पंजाब में शूटिंग के वापस जो है साउंड के लिए गए थे, जहां पे अभिनेता आमिर खान ने 6 जुलाई को लद्दाख के साथ जो है कार्यक्रम रद्द कर दिया था, जहाँ पे ग्वालियर घाटी के साथ भारतीय चीन जो है गतिरोध के कारण जो है बढ़ गए थे। पूरे भारत में फिल्म की शूटिंग में कठिनाइयों के कारण जो है आमिर खान ने नए शूटिंग की तारीख को जो है तय कर दिया था, जहाँ पे तुर्की में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। अब सितंबर 2020 में आमिर खान ने सरकार द्वारा निर्देशित की गई जो है सुरक्षा उपयोग और दिशा निर्देशों के साथ मुंबई में फिल्म की शूटिंग जो है कर रहे थे, और उसके बाद 27 दिसंबर 2020 को आमिर खान उनकी टीम ने कुछ जो हिस्सों की शूटिंग के लिए दिल्ली के उड़ान भर ली थी, जहाँ पे फिल्म को फिल्माया जाना था। दोस्तों, इस फिल्म के लिए एक्शन सीक्वेंस के शूटिंग के दौरान आमिर खान को पसली में चोट लग गई थी, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि शूटिंग में कोई भी देरी ना हो, अभिनेता ने कुछ दर्द जो है यानी कि निराकर दवाई ली थी और कुछ समय के लिए अपनी चोट को कम करने की कोशिश की और काम करना जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता चला था कि विशेष थे शूटिंग शेड्यूल के लिए की गई थी। व्यस्तता इससे पहले एक महत्वपूर्ण जो है रंगीन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान आमिर खान को लगातार जो है दौड़ने के कारण अत्यधिक जो है कि शरीर जो प्रशिक्षण का सामना करना पड़ा था। जो अभिनेता ने 28 अक्टूबर 2020 को नोएडा स्थित एक जो है कि स्पोर्ट और साथ ही कॉम्प्लेक्स में कुछ जो है दृश्यों की शूटिंग की थी। जुलाई 2021 में आमिर खान और उनकी टीम ने लद्दाख के लिए उड़ान भरी थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ जो 1 महीने बिताए थे, युद्ध के दृश्यों की शूटिंग की थी वहाँ पे। लद्दाख शहर में शेड्यूल खत्म करने के बाद टीम अगस्त के पहले हफ्ते में श्रीनगर पहुँच चुकी थी, जहाँ पे श्रीनगर में फिल्म की शूटिंग जो है विभिन्न स्थानों पर की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड साथ ही श्रीनगर जो है DPS में किया गया था, जहाँ पे अमर सिंह कॉलेज और आपको बता दें दल झील के पास जो है इनकी बुले वाई के साथ रोड पर की गई थी, जहाँ पे DPS के साथ जो है परिसर में शूटिंग के दौरान 12 वर्षीय दृष्टि बाधित जो है छात्रा जैनब के साथ जो है इनकी बिलाल उर्फ यानी कि RJ के साथ बैनर ने स्कूल के उन यानी कि हाउस के साथ जो है रेडियो स्टेशन जो है रेडियो DPS के साथ किया था, जो आमिर खान का सच्चा कार्ड लिया गया है। चेतने जो है जुलाई 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए थे, जो अगस्त 2021 तक अपने जो हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। अभिनेता आमिर खान करीना कपूर खान और प्रकाश जो है यानी कि वाक्सिया को 13 सितंबर को मुंबई में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करते हुए देखा गया था। पिछले साल जो है कुछ हिस्सों को एक साथ जो है यानी कि समेटने के बाद दोनों के साथ जो है अंधेरी में पैच वर्क किए गए थे, जो शूटिंग के लिए फिर से मिले थे, और ये फिल्म 16 सितंबर 2021 को समाप्त भी कर ली गई थी।
फिल्म के स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो तनुज टिकू धारा रचित किए गए हैं, जबकि फिल्म में चित्रित जो है मूल गीत जो है प्रीतम धारा रचित की गई है, जो धूम 3 के साथ 2013 में और दबंग फिल्म 2016 के बाद आमिर खान के साथ उनके तीसरे सहयोग में और गीतों के बोल अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए थे। अगस्त 2019 में आमिर खान के यानी कि पंचगनी हाउस में संगीतकार प्रीतम और उनके साथ गीतकार भट्टाचार्य ने फिल्म के संगीत पर काम करते हुए संगीत जो है बैठक की चर्चा की थी। बताया दोस्तों मोशन पोस्टर में चित्रित जो है लाल सिंह चड्ढा का शीर्षक ट्रैक जो गाना है जनवरी 2020 में अग्नि बैंड के साथ जो है मनमोहन कर्णन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। एक जो है स्टूडियो रिकॉर्डिंग के साथ व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि गायकों को शुरू में नहीं पता था कि वह आमिर खान की फिल्म के लिए गाने को गा रहे हैं, जिसे जो है गाना यानी कि पसंद किया गया था। उन्होंने लेख में उल्लेख किया है कि गीतकार जो है अमिताभ भट्टाचार्य ने एक जो है सोना गीत लिखा है, जहाँ पे खूबसूरती से पूरी कहानी को समाप्त किया गया है, जो है सोनू निगम ने अपने जो है आधिकारिक जो है यूट्यूब पेज पर 13 जनवरी 2022 को उल्लेख किया था। दोस्तों इसके बाद लाल सिंह चड्ढा के लिए 11 अगस्त 2022 को तमिल और तेलुगु भाषा में ड्रॉप किए गए थे संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसके पहले की क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर 2020 को रिलीज करने की घोषणा की गई थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन करने के कारण क्रिसमस के मौके पर उद्देश्य से रिलीज को एक वर्ष जो है 24 दिसंबर 2021 तक जो है विलंबित किया गया था। बाद में इसे 11 फरवरी और फिर जो है 14 अप्रैल 2022 को रिलीज करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, हालांकि इसे स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें मोशन पिक्चर जो है कि एसोसिएशन ने फिल्म को कुछ जो है हिंसक और साथ ही सामग्री के साथ जो है विषयपदक तत्वों को लेकर और साथ ही विचारों के साथ इस फिल्म को बनाया था। फिल्म को भारत में इन साथी वाइकॉम18 स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया था, जबकि फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय वितरण जो है यानी कि पनोरमा के साथ पिक्चर के लिए माध्यम से किया गया था। और फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के तेलुगु अधिकार गीता आर्टर्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। आपको बता दें फिल्म के लिए रेड और साथ ही जेंटिंग मूवीज द्वारा जो है तमिलनाडु के नाट्य अधिकारों का अधिग्रह किया गया था, जो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर 6.8 की रेटिंग दी गई थी। और इसी से जो 32 आलोचकों की समीक्षाओं में 63% सकारात्मक रेटिंग दिए गए हैं। वेबसाइट की इन साथी जो है सर्वसम्मति में लिखा है कि रचनात्मक जो है गरीबी के बिंदु तक जो है अपने स्रोतों इन सामग्री का सरने के साथ, लेकिन लाल सिंह चड्ढा भी एक ऐसा यानी कि मिलन अनुसार मूवी है जहाँ पे रिटेलिंग और उनके साजुजी से नापसंद करना मुश्किल है। लाल सिंह चड्ढा मूवी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है अतुल और उदेश के साजुहन की इतिहास की तुलना में कहानी में अधिक जो है यानी कि निवेश किए गए, जहां पे नतीजतन इसमें जो है मूल की तुलना में बेहतर भावनात्मक रखे गए हैं। जो न्यूज 18 के साथी सोनिया ढोडिया ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी। या दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लाल सिंह चड्ढा मूवी को और फिर इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बतलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। की हालत इसी तरह होती है, यही चीज इस फिल्म में दिखाया गया है। फरीदा जलाल जानकी कुमार के किरदार में इस फिल्म में नजर आई है, जो कि रवि कुमार की माँ की किरदार इस फिल्म में निभाई है। शक्ति कपूर के बारे में हम बातें करते तो भीकू रवि की यानी कि रवि के फ्रेंड के किरदार इस फिल्म में निभाए हैं और विकास आनंद इस फिल्म में माथुर किरण के फादर के करेक्टर को इस फिल्म में निभाए हैं। टीकू सत्तल शाह ने भी इस फिल्म में काम किए हैं, जो कि होटल के एक क्लाइंट यानी कि स्कूल प्रिंसिपल भी रहते हैं, जो कि इनको जो है दो जगहों से नौकरी से निकालने में इन्हीं का हाथ रहता है अनिल कपूर को। दोस्तों ये थी मूवी के कुछ लीड एक्टर जिनका नाम मैंने अभी लिया। और फिल्म की जो कहानी के बारे में हम बातें करें तो वल्लाई कीदा कुदुच्चू फिल्म से रिमेक है, जो कि तमिल में ये मूवी 1990 में रिलीज हुआ था। उसी फिल्म को देखकर उसी से मिलते जुलते सन 1996 में देवी धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जो कि सन 1996 में ये फिल्म रिलीज हुआ है और ये मूवी भी सुपरहिट साबित हुई है। दोस्तों इस फिल्म के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी सामने नहीं आया है, मैं आपको थोड़ा देर में इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस दोनों ही बतलाऊंगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। लोफर फिल्म डेविड धवन द्वारा निर्देशित की गई और सुरेंद्र कपूर और बोनी कपूर द्वारा निर्मित की गई 1996 की भारतीय बॉलीवुड मसाला फिल्म
फिल्म है। इस फिल्म में अनिल कपूर और जूही चावला ने प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म और साथ ही वेलेकिडा कुज्जू फिल्म से रिमेक थी और फिल्म को तेलुगु में असेंबली राउडी 1991 कॉन्नौट में राउडी एंड उनके साथ जो है एमएल 1991 हिंदी में लोफर फिल्म 1996 और साथ ही ओडिया में कोटी मनीषा गोटी जगह के रूप में इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म की कहानी शुरुआत में गौतमी के एक गांव में जाने और तमिल को याद करने से होती है क्योंकि फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और गांव बादशाह अंदर राज नाम के एक स्थानीय डॉन का शिकार होता है जिसके अत्याचार पुलिस धारा भी अन उनके साथ जो है अनियंत्री हो जाता है। अधिकांश और साथ ही पुलिसकर्मी या तो रिश्वत लेते थे या उसके द्वारा मारे जाते थे। साथ ही पला निशानी सत्याराज का परिवार इसी गांव में रहता है और वह गांव में हो रहे अत्याचार को देखते हैं और उन्हें बर्दाश्त करते हो रहे दंगों पर सवाल उठाता है और उन्हें साथ जो है बादशाह से दुश्मनी रखता है और साथ ही पला निशानी किसी तरह बादशाह और उसके मालिक से गांव को बचाता है। यह कहानी बाकी है और अंत में यानी कि सत्यराज और साथ ही पुरुषोत्तम आर उनके साथ जो शरद कुमार को मारते हैं और झंडा फहराते हुए मर जाते हैं। दोस्तों ये थी साउथ इंडियन मूवी की कहानी जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये बॉलीवुड में जब 1996 में इस फिल्म को दोबारा से अनिल कपूर को लेकर बनाया गया तो यहाँ पे कुछ एक्टर्स के नाम को चेंज किए गए लेकिन कहानी को सेम रखा गया क्योंकि इस फिल्म में भी बादशाह के डर ने जो है गाँव को डरा रखा था और जितने भी दुकानें या जितने भी लोग थे बादशाह के डर से जो है अपने जुबान को बंद रखते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों मूवी की कहानी काफी मसालादार है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। फिर मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ही बतला सकता हूं, यहां पे मैं किसी और चीज को ज्यादा नहीं बतला सकता और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को यहां पे नहीं मिले। फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में अनिल कपूर ने अभिनय किए हैं और जूही चावला मैम ने अभिनय किए हैं। अब अनिल कपूर के बारे में इस वीडियो में हम काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इनके फैन हैं और इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग को पता है मैं अपने इस चैनल पर मूवी को रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही सिर्फ बतलाता हूँ और इस वीडियो में हम लोफर फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं जिसे 1996 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा मसालादार है। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ऐसी अनसुनी बातें जानने को मिलेगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को YouTube पे किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है और मैं भी इस फिल्म को YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं और मूवी के बारे में सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के फैक्ट को बता सकता हूं। मूवी को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है। मैं जैसे ही किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड करूँगा तो मुझे स्ट्राइक लगा दी जाएगी कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का, जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है खतरा में पड़ सकता है। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी रिव्यू अपने इस यूट्यूब चैनल पर करता हूँ। अब अनिल कपूर सर के बारे में काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अनिल कपूर सर के जन्म के बारे में हम बातें करें तो इनका जन्म दिसंबर 1956 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में भी अभिनय किया है। एक अभिनेता और एक निर्माता के रूप में 2005 से 40 साल से अधिक के करियर में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किए हैं और कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय और पंद फिल्मों में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर बॉम्बे में जन्मे उन्होंने रोमांस हमारे तुम्हारे फिल्म 1979 में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी और फिर तेलुगु फिल्म यानी कि वामसा वच्छम मूवी 1980 में दिखाई दिए। कपूर के करियर ने एक्शन ड्रामा मसाला फिल्म 1984 में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा गया था। अब इन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में 80 के दशक के दौरान उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में मेरी जंग मूवी थी 1985 में ये मूवी रिलीज हुई थी और कर्मा फिल्म 1986 में रिलीज किया गया था। मिस्टर इंडिया 1987 में, तेजाब 1988 में, रामलखन 1989 में और परिंदा फिल्म 1989 में शामिल है। वह अगले तीन दशकों में शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों लम्हे 1991, लाडला फिल्म 1994, जुदाई 1997, दीवाना मस्ताना 1997 हम आपके दिल में रहते हैं प्रमुख भूमिकाओं के साथ एक यानी अत्यधिक और साथ ही लाभदायक बॉलीवुड स्टार बन गए हैं।
1999 में बीबी नंबर वन फिल्म और 1999 में नो एंट्री 2005 की मूवी और वेलकम फिल्म 2007 से रेस फिल्म 2008 तक जो इन्होंने अभिनय किए और 2013 में वेलकम बैक में फिर से इन्होंने अपनी किरदार को निभाया और 2015 से रेस 3 और 2018 में टोटल धमाल फिल्म 2019 और साथ ही मलंग जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इसी तरह उनके अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और दिल धड़कने दो फिल्म 2015 में इन्होंने अभिनय किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डेनी बायल की एकेडमी पुरस्कार विजेता फिल्म उनके साथ जो है कि सलम डॉग और साथ ही मिलीनियर में थी, जिसके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया था। एक्शन सीरीज 24 के 8वें सीजन में उनके प्रदर्शन ने अमेरिकी प्रेस से अच्छी समीक्षा प्राप्त की थी और विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक यानी मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से एक है। दोस्तों इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं अनिल कपूर सर के रियल लाइफ के बारे में और इनकी मूवी को रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। अगर आप इनकी मूवीज को देखना पसंद करते हैं और इनको आप लाइक करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। अब अनिल कपूर का जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर में निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में इनका जन्म हुआ था। बेहतर स्रोत्र की जरूरत वह जो है यानी कि चार बच्चों में से दूसरे नंबर पे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक फिल्म निर्माता है और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शौरी कपूर दोनों उनकी बोनी कपूर की पत्नी है और उनकी भाभी भी थी और नेडना और उनके साथ जो है नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और साथ ही मारवाह स्टूडियो के मालिक संदीप मारवाह ने उनके जो है बहनोई है और फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मरवा उनके भतीजे हैं, जबकि अभी नेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी हैं और पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके रिश्तेदार है क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। और उद्धरण वांछित के बारे में हम बात करते हैं। कपूर की शिक्षा चेंबूर पूर्वी मुंबई में अवर लेडी ऑफ परपेचुअल में हुआ था और उनके साथ जो है सक्सर हाई स्कूल फोर्ट दक्षिण मुंबई में सेंट जुएलर्स कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी। 1984 में कपूर ने कस्टम डिजाइनर सुनीता भवनानी से शादी की जिनसे उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। उनकी बड़ी बेटी सोनम कपूर की जन्म 1985 में होता है, ये एक अभिनेत्री है। उनकी छोटी बेटी रिया कपूर का जन्म 1987 में हुआ था, यह एक फिल्म निर्माता है। और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर का जन्म 1990 में हुआ था, ये एक अभिनेता है। अनिल कपूर को उनके बच्चे एक कहते हैं और अनिल कपूर की रियल लाइफ में और भी ऐसी बातें छुपी हुई। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके अपने नाम को इतना आगे बनाया। ये एक बड़े सितारों में से एक हैं। अनिल कपूर ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किए हैं और अभी तक 2021 तक और 22 तक जो है ये फिल्मों में ही काम कर रहे हैं। दोस्तों बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं और इनकी कितनी फिल्में फ्लॉप हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से बतलाएंगे। अब हम यहाँ से इनकी रियल लाइफ और फिल्मी दुनिया के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अनिल कपूर ने 1970 में तूपायल में गीत में एक युवा शशि कपूर की भूमिका निभाते हुए फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी, यानी कि इसमें एक छोटा सा अभिनय दिखाए थे, बचपन के किरदार में नजर आए थे। शशि कपूर के बचपन के किरदार को इन्होंने निभाया था और ये फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई थी। 1980 का दशक में संपादित करे अनिल कपूर ने अपनी हिंदी फिल्मों की शुरुआत उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से की थी। इस फिल्म में छोटी सी भूमिका इनकी थी और इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था, जिसका निर्देशन अनुभवी बापू ने किया था। और उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो और हम पांच में भी दिखाई दिए थे। 1981 में वह एमएस सत्यु की कहानी कहाँ से गुजर गया में दिखाई दिए थे और शक्ति 1982 में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की पल्लवी अनुपल्लवी 1983 से कन्नौट फिल्म की शुरुआत की और उन्होंने वह सात दिन 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मसाला फिल्म
1984 के साथ जो है टपूरी के रूप में पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। उनका टपूरी व्यक्तित्व और साथी ठूटदार रूप उसका जो है समय और साथ ही अपरंपरागत माना जाता था। अनिल कपूर ने लेकिन कई वर्षों बाद जो है भारत में यह फैशन लेवल बन गए थे और अनिल कपूर की 1985 की रिलीज मूवी में युद्ध और साहेब शामिल थे। युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठित पंक्ति एकदम यानी कि झकास का उच्चारण करते हुए दिखाया, लेकिन यह मेरी जंग मूवी थी 1985 में जो रिलीज हुई थी, जिसमें जो है उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा लड़की की भूमिका एक वकील की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी, जिसने जो है उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिया गया था। इसीलिए 1985 में अनिल कपूर की सभी फिल्मों को देखा गया और पसंद भी किया गया था। वह वास्तव में उद्योग में आ गए थे। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट मूवी कर्मा फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 1986 में यह मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान की सह अभिनीत हिट यानी कि जंगबाज फिल्म में दिखाई दिए थे। जंगबाज में एक लापरवाह प्ले बॉय की भूमिका निभाई थी। कपूर के 1986 की रेखा के साथ यानी इंसाफ की आवाज़ की अन्य रिलीज मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उसी वर्ष यानी कि बसु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया और उन्होंने कॉमेडी में अपनी यानी कि चकाचौंध का प्रदर्शन किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था और हम बातें कर रहे हैं अनिल कपूर सर के रियल लाइफ के बारे में। इन्होंने इस फिल्म में अहम किरदार को निभाए हैं और अनिल कपूर की दर्जनों फिल्म फ्लॉप होने के बाद इन्होंने काफ़ी ऐसे फिल्मों में दोबारा काम किए जो कि हिट हुए और इनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नाम हुई। मेरी जंग पहली फिल्म है इनकी रियल लाइफ की, इनकी जिंदगी की पहली फिल्म है जिसके वजह से इनको पहचान मिली और इनके फिल्मों को लोग जो है देखना शुरू कर दिया। अब अगली बार शेखर कपूर की विज्ञान कथा फिल्म मिस्टर इंडिया में इन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म को 1987 में अनिल कपूर की शीर्षक भूमिका थी, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें जो है सुपरस्टार का दर्जा दिया गया था। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जो यानी कि ठिकाना में अनिल कपूर भी उतने ही प्रभावशाली थे जितना कि 1988 में। उन्हें 1988 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से उनको जो यानी कि पुरस्कृत किया गया था। उसी वर्ष उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित एक एक्शन ड्रामा कसम रिलीज मूवी भी हुई थी और राम अवतार और विजय जैसी फ्लॉप फिल्मों में भी अनिल कपूर ही एकमात्र यानी कि बचतकर्ता साबित हुए थे। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया, जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गया था और गीत 1, 2 का 4 के साथ दिया गया था। फिल्म परिंदा में कपूर ने दृढ़ और विश्वास के साथ जो है अपनी भूमिका निभाई और उनकी सबसे बड़ी यानी कि उपलब्धि उनके चरित्र के यानी कि भेक्ता को पूरी तरह से प्रदर्शित करना था। रखवाला फिल्म में अनिल कपूर ने फिर से एक टपोरी की ही भूमिका निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था। अनिल कपूर ने 1989 की फिल्म ईश्वर में एक यानी कि अतिष्टिक की व्यक्ति के अपने चित्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसी फिल्म ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया था। 1990 के दशक के बारे में हम बात करें तो 1990 में उन्होंने अत्यधिक सफल किशन कन्हैया फिल्म जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिका निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसा के साथ जो है बॉक्स ऑफिस पर उचित सफलता प्राप्त की थी। अवारगी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के साथ कई आलोचकों ने कहा कि उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन फिल्म बीओ में फ्लॉप हो गई थी और साथ ही उनके साथ जो है जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दोनों ही दक्षिण रिमेक प्रमुख फ्लॉप रही थी। 1990 के रूप में यह मूवी उनके करियर में एक झटका फिल्म साबित हुआ था और ये भी माना जाता था कि अनिल कपूर को बॉलीवुड में नंबर एक का ताज पहनाया जाता था, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ अनिल कपूर का बुरा हाल था और उसके बाद यश चोपड़ा के इंटरजेनरेशन म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा लम्हे मूवी एक माध्यम आर्य वर्ग के व्यक्ति के रूप में एक यानी कि सीमित अभी तक की यानी कि उनके साथ जो है हड़ताली प्रदर्शन किया गया था और जिसमें श्रीदेवी के साथ उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जो कि भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म थी और यश चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम था और यह पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना यानी कि मूंछों के नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी लेकिन यह विदेशों में भी सफल साबित हुई थी और अनिल कपूर की 1991 की रिलीज यानी कि बेनाम बादशाह के टिकट जो यानी कि खिड़की पर औसत से नीचे का दर्जा प्राप्त किया था। इसी तरह अनिल कपूर ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किए और इस फिल्म में इन्होंने बगैर मूंछ के अभिनय किए हैं और ये इनका यानी कि हिस्ट्री में और इनके रियल लाइफ में ये पहला फिल्म है जिसमें इन्होंने बगैर मूंछ के अभिनय किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम अनिल कपूर की रियल लाइफ को बतला रहे हैं। अगर आप अनिल कपूर के फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। ये मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। अब 1992 में कपूर को इंद्र कुमार की बीटा में उनके कठिन प्रदर्शन के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म खेल में अपने हास्य अभिनय से कपूर बेहद प्रभावशाली हुए थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चोरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे एक अपादा फिल्म और उसी समय उद्योग के सबसे यानी कि बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को उनके साथ नुकसान पहुंचाना था और इन्हीं वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता मूवी नितिन और साथ ही मनमोहन द्वारा निर्मित फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से जो है यानी कि लाडला मूवी थी और कपूर ने हिट संगीत मूवी 1942 ए लव स्टोरी में एक यानी कि साधारण प्रेमी के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म साबित हुई थी। हालांकि कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था और औसत कलाकार यानी कि घरवाली बाहरवाली में कपूर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बातें करें तो अनिल कपूर की मूवी कुछ यानी कि असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म 1996 में उन्हें जो है फिर से रिलीज किया गया था। 1996 जैसी फिल्मों में सफलता मिली। जुदाई में कपूर धारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे एक प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना की गई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। दीवाना मस्ताना ने 1997 में बीबी नंबर वन ने और 1999 और हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म 1999 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। ताल जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया जिसे 1999 में एक उत्साही साथ ही जो है कुटिल संगीत पुरस्कार के कपूर के उनके साथ जो है असामान्य चित्रण ने प्रदर्शन किया था। इनके चित्रण ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को समान रूप से चौंका दिया था। उन्होंने तमिल फिल्म और साथ ही थेवर मगन मूवी 1992 की साथ ही रीमेक के विरासत में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए खूब उनके साथ जो है इनकी समीक्षाएं हासिल की थी जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ जो है असफल झूठ बोलो कौवा कांटे में भी अभिनय किया जो की फिल्म निर्माता और साथ ही हृषिकेश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज मूवी थी। उन्होंने फिल्म के सेकेंड हाफ के लिए एक बार फिर जो है अपनी मूछें मुड़वा ली थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं अनिल कपूर सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है लोफर और आज की इस वीडियो में हम लोफर फिल्म की कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे और अनिल कपूर सर की रियल लाइफ को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। अनिल कपूर ने अब तक जो है सैकड़ों फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किए हैं और इन्होंने अब तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। और इनके फैन हैं और इनकी मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब अनिल कपूर की 2000 दशक की पहली रिलीज मूवी बुलंदी थी जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं दो किरदार निभाए थे और परी उनके साथ जो है परिपक्वता दिखाते हुए दोहरी भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने सन 2000 के दशक में राजकुमार संतोषी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुकार में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता और अनिल कपूर ने सन 2000 के दशक में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता का स्वाद चखा था। अब अनिल कपूर ने राकेश रोशन थारा
निर्देशित फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया, जहां कपूर के संवाद और अदायगी की सराहना की गई थी। उन्होंने शंकर के नायक में एक साथी पावर हाउस प्रदर्शन किया, जिसे जो है कई लोग उधारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। सन 2002 में कपूर ने बधाई हो फिल्म में अभिनय किया, मोटो आदमी की एक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, जो कि हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक यानी कि टेक ऑफ बन जाता है। और उन्होंने इंदिरा कुमार की निर्देशित फिल्म रिश्ते में एक और शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में उन्होंने एक यानी कि उद्धत प्रदर्शन दिया। और अनिल कपूर ने अरमान फिल्म में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की और एक यानी कि न्यूरोसर्जन के रूप में अपने चरित्र को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता में मेल में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उनके चरित्र को इसी पद का था संचालित प्रदर्शन में प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त और साथ ही गुंजाइश के साथ जो है यानी कि परिभाषित किया गया था। और साथ ही उनके साथ जो है मजबूत सहायक कलाकारों के बावजूद भी यह जो है वास्तव में अनिल कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया था। उन्होंने समीर और साथ ही आदित्य पंचोली, संजय दत्त और उनके साथ जो है कोएना मित्र के साथ जो है मुसाफिर में एक अधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग लगा दी थी। और ये मूवी कपूर के थ्रिलर माई और साथ ही वाइफस मर्डर में एक पीड़ित पति के रूप में अस उनके साथ जो है अविश्वसनीय रूप से सहमित प्रदर्शन किया था, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था। और साथ ही अनीस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में उस साल अनिल कपूर को फॉलो किया गया था और यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वह फिल्म बेवफा में भी नजर आए थे, एक अमीर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे, जिसे जो है यानी कि परसों के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर, सुष्मिता सेन ने अभिनय किए थे और ये मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। बेवफा फिल्म के रिव्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवीज़ रिव्यू, मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। मैं अपने चैनल पर सिर्फ मूवी को रिव्यू करता हूँ और मूवी की रोमांटिक फैक्ट को ही सिर्फ बता सकता हूँ। अब 2005 की थ्रिलर चॉकलेट फिल्म में अनिल कपूर ने अभिनय किया। साथ ही चॉकलेट में कपूर की चलाकी से एक ग्रे किरदार निभाए थे, जो कि अनिल कपूर की 2007 की पहली रिलीज मूवी मसाला ए इश्क यानी कि ट्रिब्यूट टू लव विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, हालांकि भारत में फ्लॉप रही। और अनीस बज्मी की वेलकम, जो कि 21 दिसंबर 2007 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और वर्ष की सबसे बड़ी सफलता घोषित इस फिल्म को किया गया था। सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत सराहना की गई थी। अब 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर रेस बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और विजय कृष्ण आचार्य की टशन ने यशराज फिल्म में अनिल कपूर की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में मूवी विफल रही थी। उनकी सबसे हालिया फिल्म उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी। साथ ही उनके साथ जो है इनके सलम डॉग और साथ ही मिलेनियर में थी, जो कि 12 नवंबर 2008 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, और युवराज जो कि 21 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। युवराज फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ जो है मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे थे। और साथ ही उनके साथ जो है टिकट और खिड़की पर जो है दूसरी, और साथ ही उनके साथ जो है सलमान डॉग मिलेनियर में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे और आलोचकों से समीक्षा प्राप्त की है, और जिसके निर्माण में केवल यूएस में कमाई किया था 15 मिलियन की और लगत आई है, लेकिन उसने दुनिया भर में 352 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। इस फिल्म को 15 मिलियन की बजट में बनाया गया था और 352 मिलियन से अधिक की कमाई की है। जनवरी 2009 में उन्होंने साथ ही जो सलमान डॉग और साथ ही मिलेनियर की टीम के साथ 66वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में भाग लिया, जिनसे 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इन्होंने जीते।
सलमा डॉग धारा सर्वश्रेष्ठ चित्र और 8 पुरस्कारों में से एक के लिए उनके साथ जो है अकादमी पुरस्कार जीतने के बाद अनिल कपूर के अपने प्रसिद्ध यानी कि उत्साह का प्रदर्शन किया है। उन्हें 2008 के ब्लैक रेल और साथ ही अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए नामांकन भी मिला है और साथ ही मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स के गिल्ड अवार्ड भी इन्होंने जीता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं अनिल कपूर सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है लोफर और इस वीडियो में हम लोफर मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला रहे हैं और अभी इस फिल्म के स्टार कास्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं और अनिल कपूर सर के बारे में कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब 2010 में अनिल कपूर ने अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला 24 के 8वें सीजन में अभिनय किया जिसमें काल्पनिक इस्लामिक यानी कि रिपब्लिक ऑफ द कमिस्तान के अध्यक्ष उमर हसन की भूमिका इन्होंने निभाई। उसी वर्ष के अक्टूबर में उन्हें मिशन और साथ ही इम्पॉसिबल घोषित किया गया था। प्रोटोकॉल दिसंबर 2011 में जारी हुई थी और पावर दोनों में एक खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कास्ट इनको किया गया था। शक्ति का निर्देशन राजकुमार संतोषी द्वारा किया जाना था लेकिन अज्ञात कारणों से इसे जो यानी कि स्थगित कर दिया गया था। अन्य परियोजनाओं के बारे में हम बातें करते हैं उनके पास जो वर्तमान में साथ ही पाइपलाइन में है और उनमें से यानी कि सिटीज और साथ ही क्लाइव ओवेन और उनके साथ ऑरलैंडो ब्लूम की शो अभिनीत एक जो है हॉलीवुड परियोजना बन गई है। मिस्टर इंडिया 2 नो एंट्री की अगली कड़ी रेस 2 और साथ ही संजय गुप्ता की शूट आउट 1 यानी कि वडाला शामिल है। उन्होंने खिलाड़ी 786 के लिए भी हस्ताक्षर किए थे जो कि दिसंबर 2012 में रिलीज हुई थी लेकिन अंततः इसमें दिखाई नहीं दिए। अनिल कपूर की 2012 की एकमात्र रिलीज मूवी तेज ने उन्हें आलोचकों से अनुकूल समीक्षा दी। तरुण आदर्श ने लिखा है कि अनिल कपूर को पर्दे पर देखना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभिनेता अतीत में कई फिल्मों का अभिनय हिस्सा रहे हैं और आप उन पर जो है खुद को दोहराने का आरोप भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा वह अपने शुरुआती दौर में हो सकते हैं और 50 के दशक के यानी कि 50 के दशक लेकिन इसने अनिल कपूर को हाई और साथ ही एक्टिंग एक्शन स्टंट को फलने फूलने से नहीं रोका था और साथ ही शूट आउट 1 यानी कि वडाला में उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया था। द हिंदू के सुदेश कामत ने लिखा है कि अनिल कपूर प्रथम श्रेणी के हैं और एक गैर बकवास पुलिस के रूप में एक दर्जी की भूमिका में साथ ही रहस्य उद्घाटन के हमें जो है उसी पुरस्कार की याद दिलाता है जो कि हुआ उसी की अस्सी के दशक में हुआ करता था। जनवरी 2013 में अनिल कपूर विशेष खंड के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। साथ ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन साथ ही कन्वर्सेशन 1 यानी कि समान जो कि काफ़ी काम करने वाले अभिनेताओं के लिए साथ ही जो अर्चित है और वह वर्तमान में कब भारतीय और साथ ही रिमेक श्रृंखला में 24 में जय हिंद और साथ ही राठौड़ की भूमिका इन्होंने निभाई थी। सितंबर 2015 में अनिल कपूर ने आगामी एंग्री वर्डर्स और साथ ही फ्रेंड जो है टूर्नामेंट में चैंपियनशिप फॉर अर्थ के विज्ञापन में खुद के रूप में उपस्थित दर्ज कराई थी और अमेजन ने अनिल कपूर को अपने पायलट द बुक ऑफ यानी कि एस्ट्रेज न्यू साथ ही जो है थिंग्स में लिया है। उदाहरण वंचित हुआ जो है यानी कि ओएसएस पर जो है बेस के अधिकारिक प्रमुख विक्रम दानेश की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और अनिल कपूर ने करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म यानी कि तख्त में भी अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है जो कि एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसमें कलाकारों की टुकड़ी रखी जाएगी जिसमें रणबीर सिंह आलिया भट्ट और उनके साथ जो भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल इस फिल्म में शामिल होंगे। इस मूवी को 2022 तक रिलीज किया जाएगा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है जो इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को। मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस फिल्म को हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं लोफर फिल्म को। इस मूवी को 1996 में रिलीज किया गया था और 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। अब 2002 में अनिल कपूर ने अपनी पहली फिल्म
कॉमेडी बधाई हो फिल्म में काम किया। कॉमेडी बधाई हो बधाई का निर्माण किया था जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था और इसके बाद माई वाइफ मर्डर मूवी 2005 और गांधी माई फादर 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया और साथ ही आई गांधी माई फादर ये मूवी महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के बीच जो संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार और विशेष यानी कि उल्लेख से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अक्षय खन्ना और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म यानी कि शॉर्ट कट द कॉन इज ऑन का जो है निर्माण किया। इसे 2010 में उन्होंने आयशा और 2010 फिल्म का निर्माण किया था जिसमें जो है उनकी बेटी सोनम कपूर और अभय देओल मुख्य भूमिकाओं में थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में मामूली प्रदर्शन करते हुए यानी कि काफी कम रुपए की कमाई की थी और 155 मिलियन ही कमाई किए थे। उन्होंने अमेरिकी टीवी की सफलता 24 के रीमेक अधिकार हासिल कर लिए हैं और कथित तौर पर जो है यानी कि INR 1 बिलियन की राशि के लिए लोकप्रिय टीवी शो को भारतीय संस्करण को बनाने के अधिकारों को उनके साथ जो है लाइसेंस देने में उन्हें जो है लगभग 1.5 साल लग गए थे। अनिल कपूर नायक यानी कि जैक बाउर की भूमिका में भी कदम रखेंगे और साथ ही फॉक्स नेटवर्क पर जो है प्रसारित मूल सीरीज के 8वें सीजन में अनिल कपूर ने राष्ट्रपति यानी कि हसन की भूमिका निभाई थी। अनिल कपूर ने एक गायक के रूप में अपनी फिल्मों के साउंड ट्रैक में दुर्लभ यानी कि अवसरों पर योगदान दिया है। उनके पहले साथी गीतों में से एक 1996 की बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी का शीर्षक यानी कि ट्रैक था। यह गीत जो है यानी कि प्रकृति में हास्यपूर्ण था और इसमें अनिल कपूर द्वारा अभिनीत चमेली और उसके प्रेमी यानी कि चरण दास की प्रेम कहानी को दर्शाया गया था। चमेली का किरदार अमृता सिंह ने निभाई थी। उसी दशक में उन्हें जो है फिल्मों या 7 दिनों के लिए तेरे बिना मैं नहीं मेरे बिना तू नहीं गीत पर जो है श्रेय दिया गया था। उन्हें हमारा दिल आपके पास है गीत के आई लव यू पर भी श्रेय दिया गया था और 2008 में अनिल कपूर ने यशराज के टशन में अपने चरित्र को पेश करने के लिए एक तुकबंदी समान संवाद प्रदान किया था और उनकी थीम का शीर्षक यानी कि भैया जी का टशन था और फिल्म में उनके सह कलाकारों ने भी अपने परिचय को साउंड ट्रैक में शामिल किया था जिसे जो है विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया था और अक्षय कुमार की थीम थी कि बच्चन पांडे का टशन करीना कपूर की थी और साथ ही पूजा का टशन सैफ अली खान को जिम्मा यानी कि जिम्मी का टशन के लिए श्रेय दिया गया था। 1996 में सलमा आगे के साथ जो सह गायक के रूप में उनका एक पूर्ण एल्बम यानी कि वेलकम था और एल्बम को बप्पी लहरी ने बनाया था। दोस्तों इन बातों से ये भी पता चलता है कि अनिल कपूर सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि सिंगर भी है और कई सारे गानों को बनाए भी है और 1-2 गाने ये गाए भी है। अपने शुरुआती दौर में काफी सारे मेहनत करने के बाद इन्होंने कई सारे ऐसी फिल्मों में अभिनय किए थे जो कि हिट नहीं हुए थे लेकिन इस एक दशक के बाद इन्होंने काफी ऐसे सारे फिल्मों में अभिनय किया जो कि सुपरहिट ब्लॉकबस्टर भी हुए। इनको सबसे पहले मेरी जंग फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था और उस फिल्म के बाद इनको जो है लोग पहचानना स्टार्ट कर दिया था और इनके फिल्में जो है लोग जो है देखना शुरू कर दिए थे और अनिल कपूर ने अब तक जो है कई सारे सैकड़ों फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इनको दो जो है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और भी कई सारे अवार्ड इनको जो है मिले हैं अब तक। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के एक और स्टार कास्ट के बारे में जिनका नाम है जूही चावला और इनके बारे में बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय की है और इनको अब तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। दोस्तों बतलाएंगे इनके बारे में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जूही चावला इज बोर्न 13 नवंबर 1967 इज द इंडियन एक्ट्रेस फिल्म प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर आफ्टर द विनिंग द 1984 मिस इंडिया एंड ब्यूटी पेजेंट सी द एंड एस्टैब्लिश्ड द हेयरसेल्फ एज वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ द हिंदी सिनेमा फ्रॉम द लेट द 1980s इज द थ्राउट द एनियरली 2000 इज द एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इनकमिंग द टॉमिंग एंड द एन विवा क्विज ऑन स्क्रीन द प्रोसोन सी द एंड रिसिपियंट ऑफ द एन सेवेरियल द एन अक्लोड इनक्लाउडिंग टू फिल्म फेयर अवार्ड।
जूही चावला मेड हेयर द एक्टिंग डिब्यूट विद द एंड ब्राइव द एंड अपेरेंस इन द फिल्म सुल्तान फिल्म सल्तनत 1986 एंड हेड हेयर द एंड ब्रेक रूल द रोल इन द एंड ट्रैगिक द रोमांस फिल्म क्यामत से क्यामत तक इन 1988 विद द अर्नेड हेयर द एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डिब्यूट सी द एंड प्रोपेल्ड हेयर करियर फॉरवर्ड विद द स्टारिंग रोल इन द लुटेर मूवी 1993 एंड आईना 1993 एंड डॉर मूवी 1993 एंड हम है राही प्यार के 1993 फोर वी सी वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर इन लोअर द एंड पेस फादर सक्सेस द कॉम विद द यू कॉमेडी फिल्म द दीवाना मस्ताना 1997 एंड यश बॉस 1997 एंड इस मूवी 1997 द फ्रिंग द एंड डिसाइडेड द जूही चावला वॉज द विलिंग टू प्ले द अगेंस्ट टाइप द एंड बिगेन वर्किंग विद द एंड इंडिपेंडेंट द फिल्म मेकर इन आर्ट हाउस द एंड प्रोजेक्ट द जेनरिंग क्रिटिकल अ क्लाइमेट फॉर द परफॉर्मेंस इन द एंड इन द एंड झानखार बेट 2003 एंड दीवार 2003 माई ब्रोदर निखिल 2005 एंड आम 2011 एंड गुलाब गैंग मूवी 2015 एंड मोर ओवर सी स्टारेड इन द सीवियल पंजाब फिल्म इनक्लूडिंग द इन बॉयपिक द इन शहब उधम सिंह 2000 एंड देश हो या परदेश 2004 एंड वारिस शाह इश्क द वारिस 2006 एंड द एंड सुख मनी होप फॉर लाइफ 2010 जूही चावला हैज बीन द मैरिड टू द इंडस्ट्रियल जय मेहता सिंस द 1995 विद द एंड वुमेन सी हैज टू द एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद हेयर हस्बैंड एंड शाहरुख खान सी इज द को एंड ऑनर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता किंग राइडर्स अलॉन्ग विद एंड शाहरुख खान सी को द एंड फाउंडेड टू द एंड प्रोडक्शन कंपनी Dreamers Unlimited with the producer 3 film starring with the and third the self starring film Phir Bhi Dil Hai Hindustani Sun 2000 and the among here the and television work she was the and talent the and Judgi and the and third season of the dance reality show Jhalak Dikhla Ja Juhi Chawla was born 13 November 1967 and resided in the in Ambala Haryana India her father was an officer of officer of the Indian in Revenue Service IRS see the incompleted here the schooling for the in convent school Bombay in present day Mumbai in the end graduate from the end Sandy graduated the in Sandin Naham College Bombay in Chawla was the winner of the Miss India title in 1984 she also won the best the end costume award of the Miss Universe the end contest in the 1984 जूही चावला वेंटेड इनटू फिल्म विद द 1986 द सल्तनत बट इट टर्नड आउट बी द एन कॉमर्शियल फेलर सी वांट ऑन टू एक्ट इन द एन कनाडा क्लासिक द एन प्रेम लोक मूवी डायरेक्टेड बाय द एंड रविचंद्रन इन 1987 सी आल्सो द स्टारेड ऑपोजिट द एन प्रोसेनजीत चटर्जी इनटू फिल्म हेयर फ्रॉस द मेजर रोल इन बॉलीवुड वॉस इन क्यामत से क्यामत तक इन 1988 इन वी सी स्टारेड विद आमिर खान द फिल्म इन मॉडर्न डे एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द एंड सक्सी पेयर द एंड रोमियो इन जूलियट वॉज बोट इन मेजर द क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस विद द इन आमिर खान एंड जूही चावला बिकमिंग द एन ओवर नाइट इन स्टार इट इज वन द इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन जूही चावला बिकम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर Also the receiving here for the nomination for best actress Juhi Chawla in Preening with the Aamir Khan in the theater on screen the chemistry was after the end created by the media as the successful the film has the seen the end attended the end cloud started with the Times of India ranking the end among is the top 25 must see Bollywood film in Kaling is the one of the India mark film out of the Hindi cinema and crediting it is the with the making Aamir Khan and Juhi Chawla in husband the name the and Prem Makuru and Biswas of the first post Varud the end inter positive review Juhi Chawla with here the end Flownessy the end Chinjari and Pope
एन पैसिव बट द एंड असेरेटिव द एंड डिमनर वॉज द एन यर्ली द एंड प्रो एन द प्रे डेसेसर फॉर द एंड द सेक्स वाली द लाइब्रेटेड द बॉलीवुड हीरोइंस ऑफ टूडे सी वोर द In over what the end wanted when the intended or the end relationship with the man she and desire in 19 is the story in the end in the prati vansi also the received here the second best actress the nomination for the film fair for the film here the end or the release the year the including the female drama swarg along with the rajesh khanna and govinda which the market the first the several collaboration with the director david dhawan in 1992 to see the end appeared in Bol Radha Bol movie alongside Rishi Kapoor for with the received here the first film fair nomination Bol Radha Bol movie alongside Rishi Kapoor for the with the received here the end third film fair nomination for the best actress the later that year see the appeared in the Aziz Mirza comedy Raju Ban Gaya Gentleman the first of main collaboration with the actor and business partner Shahrukh Khan In 1993, Juhi Chawla appeared in the end film. Here, first the release was the Enlutere movie directed by Dharmesh Darshan and starring Sunny Deol, Nasiruddin Shah, Chunky Pandey and Anupam Kher. She played the. जो आपको बतला दे, बोस न्याय और इनकलाब जो है पी ऋतु की सहायता के लिए था, जहाँ पे पियानो खुद जो है रहमान सर ने बजाए थे. इनकलाब दोस्तों फिल्म के साउंड आर्ट के बारे में हम अधिक बात करें, तो फिल्म के साउंड आर्ट और संस्करण में काफी अच्छे दो भाग रखे गए थे, क्योंकि फिल्म का सुनता है मेरा खुदा गीत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में आर्चिट और नेशनल पार्क में फिल्माया गया था, क्योंकि फिल्म के किस्मत से तुम हमको मिले हो गीत को संयुक्त राज्य अमेरिका के और इसके अलावा अलास्का में माउंट मार्कस बेकर में शूट किया गया था. दोस्तों फिल्म के कुछ गाने जो अमेरिका के अंदर शूट किए गए थे जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा. यहाँ दोस्तों फिल्म को साल 2000 के दशक में रिलीज किया गया था और फिल्म को दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये फिल्म एक छोटा फिल्म तो नहीं माना जा सकता. आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में. बता दें दोस्तों फिल्म की कहानी पैरा में शुरू होता है. पैरा एसएफ अधिकारी जहां मेजर जयदेव जय राजवंश और उनके साथी अधिकारी है, वहीं पे दोस्तों एक प्रमुख राजनेता को बचाने के साथ साथ अपने अपहरणकर्ता और पाकिस्तानी आतंकवादी अब रूस को पकड़ने का प्रबंध करते हैं. इसके अलावा दोस्तों आतंकवादी वर्षों से वंचित है, क्योंकि अंत तक उसे दो अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है. जय एक हारचीत और उसके अलावा स्वागत में लौटता है, उसे राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है. फिल्म के अंदर उनके वरिष्ठ ने उन्हें एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेने की पेशकश की. जय इसे स्वीकार कर लेता है और वह अपने गृहनगर लौट जाता है. वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त अंजलि से होती है. आदि दोस्तों अंजलि शुरू से ही जय से प्यार करती है. बचपन से ही जय से ही प्यार किया है अंजलि से होती है. इसने हमेशा जय के लिए प्यार किया. अंजलि जय की छुट्टी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है और उसके करीब आने और जितना हो सके उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती है. इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक पार्टी में उनकी मुलाकात मिस इंडिया पूजा मल्लापा से होती है. जैसे ही वह एक साथ समय बिताते हैं और दोनों प्यार में पड़ने लगते हैं. जैसा कि आपको बता दें जय के माता पिता अंजलि से उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे होते हैं, लेकिन जय पूजा के लिए अपने प्यार को स्वीकार कर लेता है और वह हमेशा अंजलि को एक करीबी दोस्त के रूप में सोचता है. दोस्तों ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है और इस यारू अंजलि जय की और इसके साथ ही आपको बता दे अस्वीकृति का बदला लेना चाहती है. जय के साथ उसकी निराशा को महसूस करते हुए अबरूस फायदा उठाता है उक्त अपहरण राजनेता के माध्यम से, जो अबरूस के साथ हाथ मिला लेता है और साथ में आपको बता दे वह जय की प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करने की साजिश रचते हैं. के बाद फ्रेंड्स आपको बतला दे अंजलि जेल से जेल तक अबरूस के आने जाने की योजनाओं का विवरण देने वाले और इसके अलावा गोपनीय दस्तावेज चुराने में सफल हो जाती है, जहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं के कारण जय को कोर्ट और इसके अलावा मार्शल किया गया और देश को इसके अलावा जो देशद्रोही घोषित किया गया था. पारिवारिक जो है दबाव के कारण पूजा उसे छोड़ देती है. जय अपनी बेगुनाही साबित करने और खुद को छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है. अकेले ही अबरूस का पीछा करने का फैसला करता है. अंत तक अंजलि को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है. इसके बाद आपको बता दें परिचित करने के लिए वह अकेले ही अबरूस की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करती है और जय को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है.
जय अब रोष पर हावी हो जाता है। अंत में जय अंजलि के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उसे माफ कर देता है और दोनों खुशी से जीने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। यहाँ दोस्तों फिल्म की कहानी इसी चीज पे आधारित है। आज की इस वीडियो में हम पुकार फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए हैं। सबसे पहला जो गाना है के सारा सारा गाना इसमें रखा गया है, इसे कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। दोस्तों फिल्म के दूसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, सुनता है मेरा दिल और मेरा खुदा, ये गाना उदित नारायण ने गाया था। इस साथ दोस्तों फिल्म के तीसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, हम राय जब हो मस्ताना, इस गाने को उदित नारायण जी ने गाया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के चौथे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, है जाना गीत को सुजाता मोहन ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों किस्मत से तुम ये गाना सोनू निगम ने गाए थे। खिलाओ दोस्तों फिल्म के छठे गीत के बारे में हम बात करें तो एक तू ही भरोसा वाला, ये गाना लता मंगेशकर ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जो 7वें गाने रखे हैं, है जाना ये गाना सुजाता मोहन ने गाए थे। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गाने थे लेकिन दोस्तों फिल्म में 6 ही गाने को दिखलाया गया था। दोस्तों आपने इन सारे गानों को तो सुना ही होगा क्योंकि यूट्यूब पे ये सारे गाने उपलब्ध है, लेकिन ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड किसी ने भी नहीं किया है। दोस्तों फिल्म को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है, वरना मैं भी फिल्म को अपलोड कर देता। यह दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। अनिल कपूर जी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बता दें सबसे पहले अनिल कपूर जी ने 1979 से अपनी छोटी सी करियर की शुरुआत की थी। बता दें दोस्तों हिंदी फिल्म की शुरुआत हमेशा उन्होंने उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से एक छोटी सी भूमिका में किया था। इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वच्छम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। जिसके बाद आपको बता दें उनकी करियर निर्देशक में काफी ज्यादा अनुभवी बापू ने किया था। उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में काम किए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें साल 1981 में वह एमएस सत्यु की कहानी कहां से गुजर गया है में दिखाई दिए थे। यहां पे शक्ति फिल्म में 1982 में काम किया था। एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की और इसके अलावा पल्लवी अनुपल्लवी 1983 से कन्नौर फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने वह 7 दिन में उन्होंने अभिनय किया था जो साल 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन सावे अभिनय करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मशाल फिल्म में अभिनय किया था जो साल 1994 में एक साथ टपोरी के रूप में पहचान हासिल की। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा दोस्तों बता दें उनका टपोरी व्यक्ति और आपको बता दें ठुंठदार लुक काफी बेहतरीन फिल्म में था उस समय, और इसके अलावा अप्रपणगत माना जाता था, लेकिन कई वर्षों बाद भारत में ये फैशन लेवल बन गया था। कपूर की 1985 के रिलीज फिल्म में युद्ध मूवी शामिल है और साहेब शामिल है, क्योंकि युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और इसके अलावा पंती एकदम जो है झकास का उच्चारण करते हुए दिखाया। लेकिन यह मेरी जंग फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा वकील की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसने उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया था फिल्म के अंदर। यही फिल्म थी जिससे अनिल कपूर को बहुत ज्यादा पहचान मिली थी बॉलीवुड में। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म करवा में काम किया था। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1986 में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान के साथ अभिनीत हिट जंगबाज फिल्म में काम किए थे। जंगबाज फिल्म में एक लापरवाह प्ले बॉय की भूमिका निभाई। कपूर की 1986 की रेखा के साथ इंसाफ की आवाज की अन्य रिलीज फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। लेकिन उसी वर्ष बासु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया जहां उन्हें एक हास्य भूमिका करते हुए फिर से देखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किए। लगातार शेखर कपूर की विज्ञान कथा की मिस्टर इंडिया फिल्म थी जिसे साल 1987 में रिलीज किया गया था। फिल्म के अंदर अनिल कपूर की शीर्षक भूमिका थी जो वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। उन्हें सुपरस्टार का दर्जा इसी फिल्म से दिया गया था और 1988 से लेकर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया
आपको बता दें उसी वर्ष हमेशा उन्होंने उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित किए गए एक एक्शन ड्रामा कसम फिल्म में इन्होंने काम किया। राम अवतार और विजय जैसी व्यावसायिक सफलताओं में भी दिखाई दिए थे। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर एकमात्र बचत कर्ता साबित हुए थे फिल्म में अंदर। अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पे दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया। दोस्तों आपको बता दें गीत 1-2 का 4 के साथ इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आपको बता दें रखवाले में कपूर ने एक टोपुरी की ही भूमिका फिल्म में निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था क्योंकि 1989 की फिल्म ईश्वर में कपूर के एक जो है आर्टिस्टिक या व्यक्तित्व के चित्रण को खूब सराहा गया था और एक अभी नेता के रूप में उनको इस फिल्म के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित करने में मदद मिली थी। वर्ष 1990 में उन्होंने अत्यधिक जो है सफल किशन कन्हैया में जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसे के साथ बॉक्स ऑफिस पे ऊंची सफल प्राप्त किया था। आपको बता दें अवारगी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन के साथ आए थे। कई आलोचकों ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे जिनमें से दोनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की रिमेक थी जहां पे बॉडी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म बड़ी फ्लॉप थी, बड़ी फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। ये उनके करियर में एक झटका था क्योंकि 1990 को कपूर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरुष स्टार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता था वहीं पे, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ उनकी बुरी हालत थी। इसके बाद यश चोपड़ा के इंटरनेशनल के साथ एक फिल्म आया था इंटरजेनरेशन फिल्म म्यूजिकल जो रोमांटिक ड्रामा लम्हे फिल्म में ये अभिनय किए थे मध्य आयु वर्ग के व्यक्तित्व के रूप में एक सहमित लेकिन आपको बता दें हड़ताली प्रदर्शन किया था फिल्म में जिसमें श्रीदेवी की विपरीत जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जिताया था, जिसमें कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई और यश चोपड़ा का अब तक का सबसे अच्छा काम माना जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना मूंछ के नजर आए थे। आपको बता दें हालांकि ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता हासिल की थी लेकिन ये जो है विदेशों में भी सफल साबित हुई थी क्योंकि अनिल कपूर की 1991 की रिलीज जो है बिना बादशाह को टिकट खिड़की पर औसत दर्जा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1992 में कपूर इंद्र कुमार के साथ काम किया जिसके बाद अपने कठिन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला। अब बता दें फ्रेंड्स माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट मूवी थी इनकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। खेल फिल्म में उन्होंने हास्य अभिनय से सबको दिल जीत लिया था। कपूर बेहद जो प्रभावशाली फिल्म में थे वहीं पे दोस्तों आपको बता दें और उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी सराहना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर ने 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चुरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक अबादा फिल्म था। उस समय उन्होंने उद्योग के सबसे बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया था। इन वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता उनको मिली थी क्योंकि जब उन्होंने नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित की गई फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से उन्होंने लाडला फिल्म में अभिनय किया था। अब बता दें दोस्तों कपूर ने हिट संगीत फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ फिर से काम किया था। फिल्म के अंदर साधारण प्रेम के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की 1994 की एक और रिलीज फिल्म थी जिसका नाम अंदाज रखा गया था। इस फिल्म में जूही चावला और करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। ये फिल्म सफल रही लेकिन आपको बता दें उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पे एक अबादा बन गई थी। हालांकि फिल्म के अंदर कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था। कपूर ने माध्यम और इसके अलावा आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता धारावाहिक जो है घरवाली और बाहर वाली फिल्म से इन्होंने हासिल किया। घरवाली बाहर वाली फिल्म इसे 1998 में रवीना टंडन एंड रंभा के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया गया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे साबित किया गया अच्छा हिट के साथ। बॉक्स ऑफिस पे कुछ असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म में देखा गया। ये फिल्म 1996 जैसी फिल्मों में शामिल है जहाँ पे अनिल कपूर को फिल्म में सफलता मिली।
जुदाई फिल्म में फिर से इनको एक और सफलता मिली। जुदाई फिल्म में कपूर धारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे हुए प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना किए गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पे दोस्तों बता दें दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुआ था, जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर जूही चावला इस फिल्म में थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीवी नंबर वन फिल्म में फिर से अभिनय किया 1999 में, और हम आपके दिल में रहते हैं 1999 में ही रिलीज हुआ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ताल फिल्म के बारे में हम बात करें तो 1999 में रिलीज हुआ था। एक उत्साही कुटिल संगीत सुपरस्टार के रूप में और आपको बता दें असामान्य चरित्र चित्रण के दर्शकों और आलोचकों दोनों के समान रूप से चौंका दिया था फिल्म के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें उन्होंने तमिल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। फिल्म का नाम थेवर मगन रखा गया था, जो साल 1992 की रिमेक 20 तारीख फिल्म थी। विरासत फिल्म में फिर से उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षाएं हासिल की, जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ असफल झूठ बोले कौवा काटे में फिर से अभिनय किया, जो फिल्म निर्माता हरीश केश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज फिल्म मानी जाती थी। उन्होंने दूसरी छमाही के लिए एक बार फिर अपनी मुछे मुरवा लेते फिल्म के लिए। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की साल 2000 की पहली रिलीज फिल्म बुलंदी थी, जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं अपने आप को दो भागों में बांट लिया था। आपको बता दें इस फिल्म में इनके डुअल रोल रखे गए थे। फिल्म के अंदर दिखाते हुए दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने 2000 में राजकुमार संतोषी की ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुमार के साथ पुकार फिल्म में फिर से अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। अनिल कपूर ने 2000 में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता हासिल की थी, जहां पे इन्होंने फिर से एक सफल फिल्म का स्वाद चखा। अनिल कपूर ने राकेश रोशन द्वारा निर्देशित किए गए फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया था, जहां कपूर की संवाद और इसके अलावा अदायगी की काफी ज्यादा सराहना किया गया था। उन्होंने शंकर के नायक में एक जो है पावर हाउस प्रदर्शन दिया था, इसे कई लोगों द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2002 में कपूर ने बधाई हो बधाई में अभिनय किया था। एक मोटे आदमी की भूमिका में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था, जो हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक जो है टेक ऑफ मूवी मानी जाती थी। उन्होंने इंदिरा कुमार के साथ निर्देशित किए गए फिल्म रिश्ते में एक बार फिर से काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में भी इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन दिया था, और फिर से कपूर ने अरमान में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की और एक जो है न्यूरोसर्जन के रूप में अपने किरदार को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता मेल फिल्म में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। एसी पटकथा के साथ जो संचालित किए गए प्रदर्शन में उनके चरित्र को प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जो है गुंजाइश के साथ जो है परिभाषित किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें मजबूत हास्य कलाकारों के बावजूद ये फिल्म वास्तव में कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया। उन्होंने आपको बता दें समीरा रेड्डी के साथ आदित्य पंचोली, संजय दत्त और कोएना मित्रा के साथ फिर से काम किया। फिल्म का नाम मुसाफिर रखा गया था। मुसाफिर में एक आधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग इन्होंने लगा दी थी, क्योंकि इनके करेक्टर को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा था। कपूर ने थ्रिलर फिल्म माई और इसके अलावा वाइफ जो है मर्डर में एक पीड़ित पति के रूप में फिर से इन्होंने अविश्वसनीय रूप से संयमित प्रदर्शन दिया था, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था। और इसी के साथ जो है अनिस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में ये फिर से अभिनय किए थे। 2005 ने उस साल कपूर के लिए अनुसरण किया था, और ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म बेवफा में भी एक आमिर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे उसी वक्त, जिसे प्रमुख जो है इसे प्रसव के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कपूर ने 2005 की थ्रिलर फिल्म चॉकलेट में चलाकी के साथ एक ग्रे के साथ किरदार निभाया था। अनिल की 2007 की पहली रिलीज मूवी सलामे इश्क फिल्म थी, जहां पे ट्रिब्यूट टू लव और विदेशों में बॉक्स ऑफिस पे हिट रही।
इसी के साथ दोस्तों हालांकि भारत में फ्लॉप रही थी और अनीस बज्मी की वेलकम जो 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई, ये मूवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफलता मूवी साबित हुआ था और इसको घोषित किया गया था सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में। इसी के साथ दोस्तों सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत जो है सराहना किया गया था। 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर मूवी थी। दोस्तों वहीं पे आपको बता दें इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था। जय कृष्णा आचार्य की टसन ने यशराज फिल्म में अनिल की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में ये फिल्म विफल रही थी। यहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर के करियर के सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम है पुकार। अगर आप पुकार फिल्म को देखना चाहते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पुकार फिल्म को साल 2000 के दशक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है अनिल कपूर की करियर की। इस फिल्म को 2000 के दशक की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब रिलीज किया गया था। इसे राजकुमार संतोषी द्वारा लिखित किया गया था और निर्देशित किया गया है और अशोक मेहता, संतोष सिवन और बाबा आजमी और छोटे के नायटू द्वारा छायांकन किया गया था। इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ अभिनय करते हुए फिर से नजर आए थे। वहीं पे दोस्तों फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो नम्रता शिरोडकर, डैनी डिंगजोनपा और शिवाजी सतम फिल्म में थे। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे औसत कारोबार करने वाला फिल्म को घोषित किया गया, जहां पे फिल्म के लिए अनिल कपूर को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों फिल्म के संगीत AR रहमान सर ने तैयार किए थे और फिल्म के गाने को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। में आर्चिट और नेशनल पार्क में फिल्माया गया था, क्योंकि फिल्म के किस्मत से तुम हमको मिले हो गीत को संयुक्त राज्य अमेरिका के और इसके अलावा अलास्का में माउंट मार्कस बेकर में शूट किया गया था। दोस्तों फिल्म के कुछ गाने जो अमेरिका के अंदर शूट किए गए थे जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। यह दोस्तों फिल्म को साल 2000 के दशक में रिलीज किया गया था और फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये फिल्म एक छोटा फिल्म तो नहीं माना जा सकता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों फिल्म की कहानी पैरा में शुरू होता है। पैरा SF अधिकारी जहां मेजर जयदेव जय राजवंश और उनके साथी अधिकारी है। वहीं पे दोस्तों एक प्रमुख राजनेता को बचाने के साथ साथ अपने अपहरणकर्ता और पाकिस्तानी आतंकवादी अब रूस को पकड़ने का प्रबंध करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आतंकवादी वर्षों से वंचित है क्योंकि अंत तक उसे 2 अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जय एक हारचीत और उसके अलावा स्वागत में लौटता है, उसे राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है। फिल्म के अंदर उनके वरिष्ठ ने उन्हें एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेने की पेशकश की। जय इसे स्वीकार कर लेता है और वह अपने गृहनगर लौट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त अंजलि से होती है। आदि दोस्तों अंजलि शुरू से ही जय से प्यार करती है। बचपन से ही जय से ही प्यार किया अंजलि से होती है। इसने हमेशा जय के लिए प्यार किया। अंजलि जय की छुट्टी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है और उसके करीब आने और जितना हो सके उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक पार्टी में उनकी मुलाकात मिस इंडिया पूजा मल्लापा से होती है। जैसे ही वह एक साथ समय बिताते हैं और दोनों प्यार में पड़ने लगते हैं। जैसा कि आपको बता दें जय के माता पिता अंजलि से उसकी शादी की व्यवस्था कर रहे होते हैं, लेकिन जय पूजा के लिए अपने प्यार को स्वीकार कर लेता है और वह हमेशा अंजलि को एक करीबी दोस्त के रूप में सोचता है। दोस्तों ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है और इस यारू अंजलि जय की और इसके साथ ही आपको बता दे अस्वीकृति का बदला लेना चाहती है। जय के साथ उसकी निराशा को महसूस करते हुए अबरूस फायदा उठाता है। उक्त अपहरण राजनेता के माध्यम से जो अबरूस के साथ हाथ मिला लेता है और साथ में आपको बता दे वह जय की प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करने की साजिश रचते हैं। के बाद फ्रेंड्स आपको बता दें अंजलि जेल से जेल तक अबरूस के आने जाने की योजनाओं का विवरण देने वाले और इसके अलावा गोपनीय दस्तावेज चुराने में सफल हो जाती है, जहां पे निम्नलिखित घटनाओं के कारण जय को कोर्ट और इसके अलावा मार्शल किया गया और देश को इसके अलावा जो देशद्रोही घोषित किया गया था
पारिवारिक जो है दबाव के कारण पूजा उसे छोड़ देती है। जय अपनी बेगुनाही साबित करने और खुद को छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। अकेले ही अबरूस का पीछा करने का फैसला करता है। अंत तक अंजलि को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद आपको बता दें पराजित करने के लिए वह अकेले ही अबरूस की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करती है और जय को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है। जय अबरूस पर हावी हो जाता है। अंत में जय अंजलि के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और उसे माफ कर देता है और दोनों खुशी से जीने के लिए एकजुट हो जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। यहाँ दोस्तों फिल्म की कहानी इसी चीज पे आधारित है। आज की इस वीडियो में हम पुकार फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए हैं। सबसे पहला जो गाना है के सारा सारा गाना इसमें रखा गया है, इसे कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। दोस्तों फिल्म के दूसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, सुनता है मेरा दिल और मेरा खुदा, ये गाना उदित नारायण ने गाया था। इस साथ दोस्तों फिल्म के तीसरे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, हम राय जब हो मस्ताना, इस गाने को उदित नारायण जी ने गाया था। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के चौथे सॉन्ग के बारे में हम बात करें, है जाना गीत को सुजाता मोहन ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों किस्मत से तुम ये गाना सोनू निगम ने गाए थे। फिलहाल दोस्तों फिल्म के छठे गीत के बारे में हम बात करें तो एक तू ही भरोसा वाला, ये गाना लता मंगेशकर ने गाए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जो 7वें गाने रखे हैं, है जाना ये गाना सुजाता मोहन ने गाए थे। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गाने थे लेकिन दोस्तों फिल्म में 6 ही गाने को दिखलाया गया था। दोस्तों आपने इन सारे गानों को तो सुना ही होगा क्योंकि यूट्यूब पे ये सारे गाने उपलब्ध है, लेकिन ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड किसी ने भी नहीं किया है। दोस्तों फिल्म को अपलोड करने का अनुमति मुझे नहीं है वरना मैं भी फिल्म को अपलोड कर देता। यह दोस्तों चलिए अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। अनिल कपूर जी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बता दें सबसे पहले अनिल कपूर जी ने 1979 से अपनी छोटी सी करियर की शुरुआत की थी। बता दें दोस्तों हिंदी फिल्म की शुरुआत हमेशा उन्होंने उमेश मेहरे की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 से एक छोटी सी भूमिका में किया था। इसके बाद उन्होंने 1980 की तेलुगु फिल्म वामसा वच्छम में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनय किया था। जिसके बाद आपको बतला दे उनकी करियर निर्देशक में काफी ज्यादा अनुभवी बापू ने किया था। उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में काम किए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दे साल 1981 में एमएस सत्यू की कहानी कहां से गुजर गया है में दिखाई दिए थे। यहां पे शक्ति फिल्म में 1982 में काम किया था। एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्नम की और इसके अलावा पल्लवी अनुपल्लवी 1983 से कन्नौर फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने वह 7 दिन में उन्होंने अभिनय किया था जो साल 1983 में अपनी पहली हिंदी फिल्म की प्रमुख भूमिका निभाई। इसे बापू ने निर्देशित किया था और इसमें पद्मिनी कोल्हापुर और नसीरुद्दीन सावे अभिनय करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा के नाटक मशाल फिल्म में अभिनय किया था जो साल 1994 में एक साथ टपोरी के रूप में पहचान हासिल की। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा दोस्तों बता दे उनका टपोरी व्यक्तित्व और आपको बता दें ठुंठदार लुक काफी बेहतरीन फिल्म में था उस समय और इसके अलावा अप्रगत माना जाता था, लेकिन कई वर्षों बाद भारत में ये फैशन लेवल बन गया था। कपूर की 1985 के रिलीज फिल्म में युद्ध मूवी शामिल है और साहेब शामिल है क्योंकि युद्ध ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और इसके अलावा पंक्ति एकदम जो है झकास का उच्चारण करते हुए दिखाया। लेकिन यह मेरी जंग फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाले एक नाराज युवा वकील की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। इसने उन्हें फिल्म फेयर में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया था फिल्म के अंदर। यही फिल्म थी जिससे अनिल कपूर को बहुत ज्यादा पहचान मिली थी बॉलीवुड में। अनिल कपूर ने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म करवा में काम किया था। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 1986 में फिर से एक कॉमिक टपोरी की ही भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1986 में कपूर ने फिरोज खान के साथ अभिनीत हिट जंगबाज फिल्म में काम किए थे। जंगबाज फिल्म में एक लापरवाह प्ले बॉय की भूमिका निभाई। कपूर की 1986 की रेखा के साथ इंसाफ की आवाज की अन्य रिलीज फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही थी। लेकिन उसी वर्ष बासु चटर्जी ने चमेली की शादी का निर्देशन किया जहां उन्हें एक हास्य भूमिका करते हुए फिर से देखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किए। लगातार शेखर कपूर की विज्ञान कथा की मिस्टर इंडिया फिल्म थी जिसे साल 1987 में रिलीज किया गया था।
फिल्म के अंदर अनिल कपूर के शीर्षक भूमिका थी, जो वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। उन्हें सुपरस्टार का दर्जा इसी फिल्म से दिया गया था और 1988 से लेकर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया। आपको बता दें उसी वर्ष हमेशा उन्होंने उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित किए गए एक एक्शन ड्रामा कसम फिल्म में इन्होंने काम किया। राम अवतार और विजय जैसी व्यावसायिक सफलताओं में भी दिखाई दिए थे। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर एकमात्र बचत कर्ता साबित हुए थे फिल्म में। अंदर अगले वर्ष उन्होंने राम लखन फिल्म में अभिनय किया, जो 1989 में बॉक्स ऑफिस पे दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया। दोस्तों आपको बता दें गीत 1-2 का 4 के साथ इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आपको बता दें रखवाले में कपूर ने एक टोपुरी की ही भूमिका फिल्म में निभाई और फिल्म को सफल घोषित किया गया था, क्योंकि 1989 की फिल्म ईश्वर में कपूर के एक जो है आर्टिस्टिक या व्यक्तित्व के चित्रण को खूब सराहा गया था और एक अभिनेता के रूप में उनको इस फिल्म के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित करने में मदद मिली थी। वर्ष 1990 में उन्होंने अत्यधिक जो है सफल किशन कन्हैया में जुड़वा भाइयों के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाई और उसी वर्ष उन्होंने घर हो तो ऐसे के साथ बॉक्स ऑफिस पे उचित सफल प्राप्त किया था। आपको बता दें अवारगी में कपूर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है प्रदर्शन के साथ आए थे। कई आलोचकों ने इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें जमाई राजा और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से दोनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की रिमेक थी, जहां पे बॉडी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म बड़ी फ्लॉप थी, बड़ी फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। ये उनके करियर में एक झटका था, क्योंकि 1990 को कपूर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरुष स्टार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता था वहीं पे, लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों के साथ उनकी बुरी हालत थी। इसके बाद यश चोपड़ा के इंटरनेशनल के साथ एक फिल्म आया था, इंटरजेनरेशन फिल्म म्यूजिकल, जो रोमांटिक ड्रामा लम्हे फिल्म में ये अभिनय किए थे मध्य आयु वर्ग के व्यक्तित्व के रूप में एक सैमित, लेकिन आपको बता दें हड़ताली प्रदर्शन किया था फिल्म में, जिसमें श्रीदेवी की विपरीत, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जिताया था, जिसमें कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई और यश चोपड़ा का अब तक का सबसे अच्छा काम माना जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें वह बिना मूंछ के नजर आए थे। आपको बता दें हालांकि ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता हासिल की थी, लेकिन ये जो है विदेशों में भी सफल साबित हुई थी, क्योंकि अनिल कपूर की 1991 की रिलीज जो है बिनाम बादशाह को टिकट खिड़की पर औसत दर्जा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1992 में कपूर इंद्र कुमार के साथ काम किया, जिसके बाद अपने कठिन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला। अब बता दें फ्रेंड्स माधुरी दीक्षित के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट मूवी थी इनकी, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। खेल फिल्म में उन्होंने हास्य अभिनय से सबको दिल जीत लिया था। कपूर बेहद जो प्रभावशाली फिल्म में थे। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें और उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी सराहना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अनिल कपूर ने 1993 में बोनी कपूर का बहुप्रतीक्षित मेगा बजट रूप की रानी चोरू का राजा बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक अबादा फिल्म था। उस समय उन्होंने उद्योग के सबसे बड़े स्टार के रूप में कपूर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। इन वर्षों में एकमात्र बड़ी सफलता उनको मिली थी, क्योंकि जब उन्होंने नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित की गई फिल्म श्रीदेवी के साथ फिर से उन्होंने लाडला फिल्म में अभिनय किया था। अब बता दें दोस्तों कपूर ने हिट संगीत फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ फिर से काम किया था। फिल्म के अंदर साधारण प्रेम के रूप में एक शानदार प्रदर्शन दिया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की 1994 की एक और रिलीज फिल्म थी, जिसका नाम अंदाज रखा गया था। इस फिल्म में जूही चावला और करिश्मा कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। ये फिल्म सफल रही, लेकिन आपको बता दें उनकी 1995 की रिलीज मूवी त्रिमूर्ति बॉक्स ऑफिस पे एक अबादा बन गई थी। हालांकि फिल्म के अंदर कपूर का प्रदर्शन विश्वसनीय था। कपूर ने माध्यम और इसके अलावा आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता धारावाहिक जो है घरवाली और बाहर वाली फिल्म से इन्होंने हासिल किया। घरवाली बाहर वाली फिल्म
इसे 1998 में रवीना टंडन एंड रंभा के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया गया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे साबित किया गया अच्छा हिट के साथ। बॉक्स ऑफिस पे कुछ असफलताओं के बाद उन्हें जूही चावला के साथ लोफर फिल्म में देखा गया। ये फिल्म 1996 जैसी फिल्मों में शामिल है जहाँ पे अनिल कपूर को फिल्म में सफलता मिली। जुदाई फिल्म में फिर से इनको एक और सफलता मिली। जुदाई फिल्म में कपूर धारा अपनी दो पत्नियों के बीच फटे हुए प्यार करने वाले पति के चित्रण की सराहना किए गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पे दोस्तों बता दें दीवाना मस्ताना जो 1997 में रिलीज हुआ था जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर जूही चावला इस फिल्म में थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीवी नंबर वन फिल्म में फिर से अभिनय किया 1999 में और हम आपके दिल में रहते हैं 1999 में ही रिलीज हुआ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ताल फिल्म के बारे में हम बात करें तो 1999 में रिलीज हुआ था। एक उत्साही कुटिल संगीत सुपरस्टार के रूप में और आपको बता दें असामान्य चरित्र चित्रण के दर्शकों और आलोचकों दोनों के समान रूप से चौंका दिया था फिल्म के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें उन्होंने तमिल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। फिल्म का नाम थेवर मगन रखा गया था जो साल 1992 की रिमेक विस्तारित फिल्म थी। विरासत फिल्म में फिर से उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षाएं हासिल की जिसमें उन्होंने कमल हसन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूही चावला के साथ असफल झूठ बोले कौवा काटे में फिर से अभिनय किया जो फिल्म निर्माता हरीश केश मुखर्जी की आखिरी व्यावसायिक रिलीज फिल्म मानी जाती थी। उन्होंने दूसरी छमाही के लिए एक बार फिर अपनी मूछे मुड़वा लेते फिल्म के लिए। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अनिल कपूर की साल 2000 की पहली रिलीज फिल्म बुलंदी थी जिसमें उन्होंने बड़े ठाकुर के रूप में स्वयं अपने आप को दो भागों में बांट लिया था। आपको बता दें इस फिल्म में इनके डुअल रोल रखे गए थे। फिल्म के अंदर दिखाते हुए दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने 2000 में राजकुमार संतोषी की ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुमार के साथ पुकार फिल्म में फिर से अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए श्रेणी में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीता। अनिल कपूर ने 2000 में हमारा दिल आपके पास है के साथ फिर से महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता हासिल की थी जहां पे इन्होंने फिर से एक सफल फिल्म का स्वाद चखा। अनिल कपूर ने राकेश रोशन द्वारा निर्देशित किए गए फिल्म कारोबार में राजीव के रूप में शो को चुरा लिया था जहां कपूर की संवाद और इसके अलावा अदायगी की काफी ज्यादा सराहना किया गया था। उन्होंने शंकर के नायक में एक जो है पावर हाउस प्रदर्शन दिया था जिसे कई लोगों द्वारा उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2002 में कपूर ने बधाई हो बधाई में अभिनय किया था। एक मोटे आदमी की भूमिका में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था जो हॉलीवुड हिट द न्यूटी प्रोफेसर से एक जो है टेक ऑफ मूवी मानी जाती थी। उन्होंने इंद्रा कुमार के साथ निर्देशित किए गए फिल्म रिश्ते में एक बार फिर से काम किया था। इस फिल्म में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ओम जय जगदीश में भी इन्होंने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। उन्होंने एक अद्भुत प्रदर्शन दिया था और फिर से कपूर ने अरमान में पहली बार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की और एक जो है न्यूरो सर्जन के रूप में अपने किरदार को शानदार ढंग से निभाया था। अपनी 2003 की रिलीज मूवी कलकत्ता मेल फिल्म में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। इसी पटकथा के साथ जो संचालित किए गए प्रदर्शन में उनके चरित्र को प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जो है गुंजाइश के साथ जो है परिभाषित किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें मजबूत हास्य कलाकारों के बावजूद ये फिल्म वास्तव में कपूर के वन मैन शो के रूप में सामने आया। उन्होंने आपको बता दें समीरा रेड्डी के साथ आदित्य पंचोली संजय दत्त और कोएना मित्रा के साथ फिर से काम किया। फिल्म का नाम मुसाफिर रखा गया था। मुसाफिर में एक आधिकारिक प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आग इन्होंने लगा दी थी क्योंकि इनके करेक्टर को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा था। कपूर ने थ्रिलर फिल्म माई और इसके अलावा वाइफ जो है मर्डर में एक प्रीत पति के रूप में फिर से इन्होंने अविश्वसनीय रूप से संयमित प्रदर्शन दिया था जिसे उन्होंने निर्मित भी किया था और इसी के साथ जो है अनिस बज्मी की सुपरहिट कॉमेडी नो एंट्री फिल्म 2005 में ये फिर से अभिनय किए थे। 2005 ने उस साल कपूर के लिए अनुसरण किया था और ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म बेवफा में भी एक आमिर व्यवसायी की भूमिका निभा रहे थे उसी वक्त जिसे प्रमुख जो है इसे प्रसव के बाद अपनी पत्नी की बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कपूर ने 2005 की थ्रिलर फिल्म चॉकलेट में चालाकी के साथ एक ग्रे के साथ किरदार निभाया था।
अनिल की 2007 की पहली रिलीज मूवी सलामे इश्क फिल्म थी, जहाँ पे ट्रिब्यूट टू लव और विदेशों में बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। इसी के साथ दोस्तों हालांकि भारत में फ्लॉप रही थी और अनीस बज्मी की वेलकम जो 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई, ये मूवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफलता मूवी साबित हुआ था और इसको घोषित किया गया था सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में। इसी के साथ दोस्तों सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट में कपूर के कमजोर प्रदर्शन की बहुत जो है सराहना किया गया था। 2008 में उनकी पहली रिलीज मूवी अब्बास मस्तान की थ्रिलर मूवी थी। दोस्तों वहीं पे आपको बतला दें, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था। जय कृष्णा आचार्य की प्रसन्न ने यशराज फिल्म में अनिल की वापसी को चिन्हित किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में ये फिल्म विफल रही थी। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर के करियर के सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम है पुकार। अगर आप पुकार फिल्म को देखना चाहते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पुकार फिल्म को साल 2000 के दशक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है अनिल कपूर की करियर की। इस फिल्म को 2000 के दशक की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब रिलीज किया गया था। इसे राजकुमार संतोषी द्वारा लिखित किया गया था और निर्देशित किया गया है और अशोक मेहता, संतोष सिवन और बाबा आजमी और छोटे के नायटू द्वारा छायांकन किया गया था। इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ अभिनय करते हुए फिर से नजर आए थे। वहीं पे दोस्तों फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो नम्रता शिरोडकर, डेनी डिंगजोनपा और शिवाजी सतम फिल्म में थे। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे औसत कारोबार करने वाला फिल्म को घोषित किया गया, जहां पे फिल्म के लिए अनिल कपूर को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। दोस्तों फिल्म के संगीत AR रहमान सर ने तैयार किए थे और फिल्म के गाने को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की मॉन्स्टर फिल्म पुष्पा 2 मूवी के रिलीज डेट के बारे में। बतलाएंगे इस फिल्म को इंडिया में कब रिलीज किया जाएगा, मूवी की बजट कितना है और ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज होगा तो कितनी कमाई कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम पुष्पा 2 फिल्म की न्यू अपडेट को लेकर हाजिर हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड पुष्पा 2 फिल्म के बारे में बताने पहले मैं आप लोगों को पुष्पा 1 फिल्म की कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। तो इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था पुष्पा 1 फिल्म को और इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है, आप लोगों को ये तो पता है। और इस फिल्म की यहीं पे बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर तो पुष्पा 1 फिल्म को 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में 365 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। अगर आप लोग पुष्पा 1 फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये फिल्म अभी आपको अमेजन प्राइम वीडियो में देखने को मिलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर तो सुकुमार सर इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे और इस फिल्म की कहानी भी सुकुमार सर ने ही लिखे थे और इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट थे अल्लू अर्जुन, फहद फासिल एंड रश्मिका मंदाना। आपको ये सेम एक्टर देखने को मिलेंगे पुष्पा 2 फिल्म में और सेम डायरेक्टर भी आपको पुष्पा 2 फिल्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिल्म में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए, फिल्म के स्क्रिप्ट ले काफी ज्यादा आगे खबर आया है कि फिल्म में और भी एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जब पुष्पा 2 फिल्म रिलीज होगा तो हम देखेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाई करता है। अगर आप लोग भी मेरे तरफ पुष्पा 2 फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एनसीओ सुन।